भी था इसको PWA, वरना इसको समझ में नहीं आता कि भाई PWA क्या है ये ना। तो अब मैं इसका ये URL जो है ना, मेरी ऐप का जो URL है, इसको मैं उठा के कहाँ पे भेजता हूँ, इस पर यहाँ पे डालता हूँ कि भाई चेक करके बताओ मेरी ऐप का क्या सीन है ना, मेरी ऐप को जो चेक करके बताओ कि क्या है मेरी ऐप के अंदर। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई आपकी जो ऐप है ना, ये अभी लोड ही कर रहा है। क्या कर रहा है ये, घूम रहा है बिला वजह। कह रहा है ये मसले हैं इसके अंदर। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आप रिएक्ट के ऊपर एप्लीकेशन बनाते हैं ना, वो पहले से जो है ना, असल में क्या होती है, PWA बनी हुई होती है पहले से, ठीक है। manifest.json ये फाइल है, ये फाइल आपकी ऐप को ना PWA बनाती है। तो ये पहले से कि इसमें मैनिफेस्ट क्या होती है, बनी हुई होती है, और ये पहले से असल में PWA होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसने जब ही इसने बोला कि हाँ यार आपकी ऐप ना PWA है, लेकिन इसमें ना ये सारे मसले हैं, ये सारे मसले गिनवा रहे हैं ना कि भाई ये सारे मसले हैं, इसको आपने फिक्स करना है। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाते हैं एडिट योर मैनिफेस्ट। अब ये मैनिफेस्ट और ये सर्विस वर्कर आप अपने हाथ से लिखेंगे ना, उससे बेहतर है। यहाँ पे ये UI बनी हुई है, ये आपका मैनिफेस्ट उठा लिया है इसने, ठीक है। ये आपका ही मैनिफेस्ट दिखा रहा है ये कि कैसे हुआ हुआ है। इसने बोला भाई एडिट मैनिफेस्ट। अब मैनिफेस्ट में क्या क्या ऐड करना है, देखो जो नेम लिखा हुआ था ना यहाँ इसमें मैनिफेस्ट के जो जेसन में जो नेम लिखा हुआ था, वो इधर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ही असल में मैनिफेस्ट आ चुका है। तो मैंने उसको बोला कि भाई यहाँ पे ना मेरा नाम लिखो, ई कॉमर्स, क्या किया मैंने, ई COMMERC, ई कॉमर्स और करड ऐप है ये, सही है, बल्कि ई कॉमर्स करड है, सही है। इसको मैं जस्ट बोल देता हूँ शॉर्ट में कि ई सिर्फ करड है ये शॉर्ट में। सम डिस्क्रिप्शन लिख दिया मैंने, ठीक है। बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर इसके लिए होता है कि जो ज़ाहिर है मोबाइल ऐप जब बनती है ना, तो ऊपर का और टॉप का ये कलर है, तो इसको मैं फ़िलहाल यही छोड़ देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट कलर है। आप इसको चेंज करके आप प्ले अराउंड इससे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इन्फो हो गया सेटिंग। उसके अलावा शॉर्ट URL क्या होगा, डायरेक्ट्री क्या होगी आपकी, लैंग्वेज मैंने सेट कर दिया कि भाई लैंग्वेज जो इसकी वो इंग्लिश है, ठीक है। PWA स्कोप, विच URL वी लोडेड, इसको छोड़ देते हैं हम खाली, ठीक है, ये ऑप्शनल है इसके ऊपर ना। तो जो जो ओरिएंटेशन क्या होगा भाई, इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा कोई फिक्स ओरिएंटेशन नहीं है। ओरिएंटेशन ये होता है कि ऐसे खड़े में चलेगा या ऐसे लिटा के चलेगी अपना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। तो मैंने कहा भाई ये एनी है, इसको मैंने एनी कर दिया। हर हर मतलब ऐसे सीधा करके भी चलेगा, वैसे भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैं कर दूंगा ना लैंडस्केप, तो जब तक फ़ोन सीधा होगा ना, वो लिखा हुआ होता है कि भाई प्लीज़ रोटेट योर फ़ोन टू यूज़ दिस एप्लीकेशन, ऐसे वो रोक देता है आपको ना। अच्छा, डिस्प्ले जो है वो स्टैंड अलोन है। अब डिस्प्ले ना तीन चार हैं, मतलब मोबाइल ऐप के तौर पे जब ये खुलेगा तो इसमें डिस्प्ले कैसा आना चाहिए। फुल स्क्रीन करूँगा ना तो ऊपर से टाइम वाइम सब गायब कर देता है ये, ठीक है। स्टैंड अलोन जो है वो डिफ़ॉल्ट है। मिनिमल UI है, ब्राउज़र है। ब्राउज़र में क्या होता है, URL का बार भी पूरा दिखा रहा होता है, तो जो स्टैंडर्ड है वही रखते हैं फिलहाल। अच्छा, डिस्प्ले ओवरराइड क्या चीज़ है, इन्होंने हर चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्राउज़र फुल स्क्रीन दिस दिस दिस। तो मैंने इसको भी बोल दिया कि भाई ये क्या होगा, फुल स्क्रीन होगा, ठीक है। यूज़र टू डिटरमिन, अच्छा नहीं, यूज़र को क्यों डिटरमिन देंगे हम, यूज़ टू डिटरमाइन द प्रिफर्ड डिस्प्ले मोड, अपीयरेंस ऑफ योर ऐप विंडो, ठीक है। मैंने कहा फुल स्क्रीन है, कह रहा है ये इसको देख के हम पता लगाएंगे कि आपकी ऐप डिस्प्ले कैसे होगी। मैंने कहा भाई फुल स्क्रीन डिस्प्ले होगी, या स्टैंड अलोन कर देते हैं इसको भी, सही है, क्योंकि ये हमने स्टैंड अलोन रखा है तो उसको भी स्टैंड अलोन रख देते हैं। अच्छा, फिर आगे पे जाते हैं प्लेटफॉर्म, इसमें कोई एडिट करने लायक चीज़ है क्या। हाँ, कैटेगरी कौन सी है भाई आपकी, क्योंकि अब जो नए वाले फ़ोन आते हैं ना, उसके अंदर वो ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज भी कर देता है। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरी जो ऐप है वो फाइनेंस की तो नहीं है, इसमें स्टोर कहीं आ रहा होगा, शॉपिंग की है ये, सही है, शॉपिंग की कैटेगरी मैंने बता दी। अच्छा, उसके बाद है आइकॉन। आइकॉन जो है ना, अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक ही आइकॉन डला हुआ है और उसी के ये डिफरेंट जो है ना वो करवा रहा है। अच्छा, ये कह रहा है 512x512 के ना आप मुझे आइकन्स दे दो, एक आइकन दे दो 512x512 का, मैं बाकी के ना उसी से जनरेट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे आगे लिखा वेदर ऐप लोगो, ठीक है, कोई भी ऐसा मैं लिख देता हूँ, या शॉपिंग लोगो लिख देता हूँ मैं। ये आपकी ऐप का लोगो होगा, जब मोबाइल ऐप इंस्टॉल होती है ना तो आपके पास एक लोगो आ रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे 512x512 भी लिख दिया ताकि वो एग्जैक्ट उसी साइज़ का मुझे ला के दे शॉप, ठीक है। ये मेरे पास एक लोगो आ गया, इंटरनेट से मैंने रैंडमली इसको उठाया है,
मैंने कहा कि यार सेव इमेज एज, और मैंने इसको डेस्कटॉप पे जो है ना ये ई कॉमर्स क्रेड के अंदर मैंने सेव करवा दिया इसको ना, नहीं अंदर क्यों करवाऊँ, बस डेस्कटॉप पे करवा देता हूँ क्योंकि मैनिफेस्ट तो ये खुद ही बनाएगा ना थोड़ी देर में भी। अच्छा तो ये मैंने बोला इसको कि ठीक है भाई ये ना मेरा लोगो अब नया ले लो, ये नया लोगो है मेरा, इसका बना दो जो बनाना है। ठीक है ये लोगो मैंने एक बना दिया, अब इस पर देखें चेक लगाया विंडोज़ 11 एंड्रॉयड और iOS, और इसको मैं जब जनरेट का बटन दबाऊंगा ना तो ये क्या करेगा, ये तमाम साइज़ेस में ना अलग अलग लोगो मुझे जनरेट करके दे देगा जो मुझे चाहिए होता है PWA के लिए। ठीक है ये डाउनलोड हो गया, अब जब मैं ज़िप को ओपन करूँगा तो आप देखें इसके अंदर ना तमाम साइज़ेस मौजूद होंगे ना, ये देखें एंड्रॉयड के अंदर तमाम एंड्रॉयड के साइज़ेस मौजूद हैं। ठीक है 48, 72, 96 ये सारे साइज़ेस मौजूद हैं। iOS के अंदर ये सारे साइज़ मौजूद हैं, एप्पल टच वच सब आ रहा होगा इसके अंदर, सही है ये तमाम साइज़ेस मौजूद हैं इसके अंदर। विंडोज़ 11 की ये तमाम साइज़ेस मौजूद हैं अलग अलग। ठीक है और आइकॉन डॉट जेसन भी मुझे इसने बना के दे दिया, आइकॉन डॉट जेसन अब ये यूज़ कैसे होता है अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है और इसको अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा स्क्रीन शॉट, ज़ाहिर है ऐप जब आप बनाते हैं तो इसमें स्क्रीन शॉट भी आपका चाहिए होता है, तो इसने बोला कि यार ये URL जो है ना इससे जनरेट करेगा ये स्क्रीन शॉट, खुद जनरेट करेगा ना, यानी ऐप को बैकग्राउंड में अपनी मशीन में खोलेगा और खोल के स्क्रीन शॉट जनरेट कर लेगा। ठीक है ये देखो इसने ऐसा ना मेरी ऐप को खोल के अंदर से स्क्रीन शॉट लेकर आ गया ये। ठीक है ज़रूरी नहीं है आप इससे जनरेट करवाएं, आप ख़ुद भी इसमें अपलोड कर सकते हैं स्क्रीन शॉट ना। अच्छा और आगे क्या है कोड, ये कोड है पूरा का पूरा ना, जो जो मैंने अभी चीज़ें सेलेक्ट की है ना उसके बिहाफ पे ये कोड इसने क्या कर दिया है, जनरेट कर दिया है। इस कोड को मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ और यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। ठीक है ये नाम वगैरह आ गया, ये फैव आइकन आ गया मेरा जो अभी मैंने जनरेट किया था। ठीक है ये डिस्प्ले है स्टैंड अलोन, ये कैटेगरी शॉपिंग, जो भी मैंने सेलेक्ट की थी चीज़ें वो स्क्रीन शॉट, ये दोनों आ गए सही है। लोगो यार तीन क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, लोगो तो बहुत सारे आने चाहिए मेरे पास। वेल मैं डाउनलोड मैनिफेस्ट का बटन दबा देता हूँ। ठीक है तो ये मेरे पास मैनिफेस्ट डाउनलोड हो गया, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास जो VS कोड में ये पहले से जो मैनिफेस्ट लगा हुआ था ना, ये जो मैनिफेस्ट था इसको मैंने कर देना है डिलीट, सही है। इसको मैंने डिलीट करने के बाद ये जो नया मैंने इसी को एडिट किया है, असल में उसने इसी को ही एडिट किया है, जो नया वाला मैनिफेस्ट मैंने यहाँ पे लाके क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। इसको मैंने डिलीट मारा और डिलीट कर, अच्छा इसमें वो नहीं इसने दिया डाउनलोड का ऑप्शन ना, वो नहीं पूछा मुझसे इसने कि डाउनलोडेबल, और वो नहीं पूछी बात ना इसने, अच्छा वो मुझसे सर्विस वर्कर में पूछेगा ये। ठीक है अभी नहीं पूछा मुझे, सर्विस वर्कर में पूछेगा मुझसे ये। ठीक है अभी इसमें इतना ही था, ठीक है ये मेरे पास आइकन तीन आ रहे हैं लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे आइकन ही आ चुके हैं। वेल तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ये मैनिफेस्ट डॉट जेसन जो अभी अभी डाउनलोड किया है उसको लाके क्या कर देना है, मैंने इधर रख देना है अपने किसके अंदर, पब्लिक के फोल्डर के अंदर, राइट पब्लिक का फोल्डर कहाँ गया, ये रहा पब्लिक के फोल्डर के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर देना है, ये मेरा मैनिफेस्ट डॉट जेसन है। अब आप देखें ये मैनिफेस्ट डॉट जेसन ना काफ़ी लंबा चौड़ा बना है, सही है ये मेरा मैनिफेस्ट डॉट जेसन जो है क्या बना है, काफ़ी लंबा चौड़ा बना है ये। अच्छा इसके अंदर एक गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ ये हो गई है कि इसने जो स्क्रीन शॉट है ना वो इसमें दे दिया है, Base64 में दे दिया है, स्क्रीन शॉट मैंने ऐसे नहीं देना था, स्क्रीन शॉट ये गलत दे दिया इसने, स्क्रीन शॉट जो है ना गलत दे दिया इसने, ऐसे नहीं देना था मैंने स्क्रीन शॉट का, मैंने इधर URL लगाना था। तो मैं काम करता हूँ कंट्रोल क्लिक करके उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, यार इसने तो गड़बड़ कर दी बहुत। सर ये क्या पूरी इमेज इसने इसमें डाल दी है? हाँ वो टेक्स्ट फॉर्म में कर दी है पूरी इमेज इसने, नहीं ये काम करते हैं इसको मैं जो है ना, एक मिनट यार इस मैनिफेस्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, वहाँ से मैं उसको दोबारा मॉडिफाई करूँगा, वो स्क्रीनशॉट हटा रहा हूँ मैं, राइट ये स्क्रीनशॉट जो इसको मैंने दिया है ना ये इसकी वजह से ना पागल हो गया ये। कोड में आता हूँ मैं और कोड में आके ना, हाँ ये देख रहे हो ये स्क्रीनशॉट, मैं काम करता हूँ इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और स्क्रीनशॉट को छोड़ के कॉपी करता हूँ, सही है स्क्रीनशॉट को मैं हाथ से भी इसका दे सकता हूँ ना, जो आइटम है सारे हाथ से मैं दे देता हूँ। मैनिफेस्ट डॉट जेसन ये पूरा का पूरा मैंने,
ये उड़ा दिया मैंने यहाँ से इसको, और अब आगे का भी यहीं से कॉपी करता हूँ मैं। मैंने कहा भाई अब इधर से कॉपी करो यहाँ तक, सही है। और ये SRC मैं इसको अलग से दे दूँगा, हाथ से दे दूँगा, सही है। ये SRC अभी मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको URL देता हूँ। असल में Base64 क्या होता है, वो फाइल को ना बहुत हैवी बना देता है, तो ये जो Base64 है ना इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे खोलूँगा ना, ब्राउज़र में भी खुल जाता है, ये ओपन हो जाता है। ये ओपन हो गया तो इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको कह दिया कि स्क्रीन शॉट 1, ठीक है, सेव। और उसके बाद जो अगला था वो कहाँ था, अगला अगला जो था ना ये रहा, ये स्क्रीनशॉट नंबर 2 है मेरा, सही है। सेव किया मैंने, मैंने कहा भाई स्क्रीनशॉट 2 है ये मेरा, सही है। तो मेरे पास ये दोनों स्क्रीनशॉट डाउनलोड हो गए। इन दोनों स्क्रीनशॉट को मैंने क्या किया, उठा के मैं इधर लेकर आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट 1 और स्क्रीनशॉट 2, ये मैं पब्लिक के फोल्डर में ही लेकर आ गया इसको भी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ना यहीं मैनिफेस्ट में पाथ दे सकता हूँ। मैंने कहा .slash और स्क्रीनशॉट 1 हो आप, सही है, .slash स्क्रीनशॉट 2 हो आप, ये दोनों मैंने इसको यहाँ से URL दे दिया। दिस अप्रोच इज़ मच बेटर, सही है, दिस अप्रोच इज़ मच बेटर। अच्छा, अब ये जो आइकॉन था ना मेरे पास, ये आइकॉन मैंने वहाँ से जो जनरेट करके मंगवाया ना, वो मैंने इधर ला के अब क्या करना है, पेस्ट करना है सारा का सारा मैंने, ठीक है। वो आइकन मैंने किधर डाउनलोड किए थे, गायब हो गए वो तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट दोनों मैंने कर लिए, और मोमेंट डॉट मिन, ये क्या चीज़ है, अभी मैंने आइकन जो डाउनलोड किए थे वो किधर कर दिया मैंने, डेस्कटॉप पे किए थे ना मैंने, कहाँ किए थे पता नहीं, गायब हो गया। चलो दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं, कोई मसला थोड़ी है। आइकन पे गया मैं और मैंने कहा भाई जनरेट ज़िप, ठीक है। तो ये दोबारा, अच्छा ये डाउनलोड्स में गया है ना, ये सही है, डाउनलोड्स में चला गया था ये, मैं इसको डेस्कटॉप पे देख रहा था, ठीक है। तो ये आइकन्स डॉट जेसन जो है ना, इसको अगर मैं उठा के यहाँ मेरे पब्लिक में लाता हूँ, अगर ये मैंने पब्लिक में इसको ला के पेस्ट किया, ठीक है, मतलब पूरी फाइल को छोड़ दिया, तो आप ये देख रहे हैं आइकन्स जो है ना, ये वाला आइकन वाला जो पार्ट है मेरा, ये आइकन आइकन आइकन, ये जो सारा आइकन वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट असल में वो मैनिफेस्ट के ना दरमियानी हिस्सा है, ये मैनिफेस्ट का ना, सही है, ये मैनिफेस्ट का क्या है, दरमियानी हिस्सा है ये, वो आइकन इतना जो दिया हुआ था इसने। तो मैं मैनिफेस्ट में जाके ना, ये मेरा जो आइकन इतना वाला पार्ट है, इसको मैं क्या करूँगा, इससे रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ चुका है, ये तमाम का तमाम ये URL आ चुका है, लेकिन ये तमाम के तमाम URL जो है ये क्या है, ये इनवैलिड हैं तमाम के तमाम URL, ठीक है। ये तमाम के तमाम URL जो हैं ये इनवैलिड हैं, और विंडोज़ 11 के नाम से यहाँ पे कोई फोल्डर ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो तमाम का तमाम जो फोल्डर था ना, तीनों फोल्डर, ये तीनों फोल्डर भी मुझे यहाँ ला के ऐसे इधर पब्लिक में पेस्ट करने पड़ेंगे, सही है। तो अब ये URL जो है वो वैलिड हो चुका है। अब ये URL क्या हो गया, देखिए, अब मैं अगर लिखूँगा ना इसको विंडो, सही है, और मैं ऐसे करूँगा तो ये देखें शो कर रहा है मुझे ये सारी इमेजेस ना, ठीक है, विंडोज़। या अगर मैं इसको लिखता हूँ कि भाई iOS, तो ये iOS की ना सारी इमेजेस शो कर रहा है। वेल, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, अभी जो लिखा हुआ था वही रहने देते हैं इसको, सही है। तो ये तमाम के तमाम जो मेरे पास ये थे ना URL, ये आइकन्स, ये तमाम के तमाम आइकन यहाँ पे क्या हो चुके हैं, लिस्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मैनिफेस्ट वाला पार्ट तो मतलब कवर हो गया हमारा ना इसमें। अब ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा थीम का कलर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले क्या होना चाहिए। अभी इन सब चीज़ों को हम करके देखते हैं एक एक करके ना, कि ये काम कैसे कर रहा होता है, ये चल कैसे रहा होता है, ठीक है। तो अब ये एक पार्ट हमारा ना PWA का कवर हो गया, दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्ट। एक पार्ट हमारा और है, दैट इज़ कॉल्ड सर्विस वर्कर, वो अभी रहता है, उसको भी करते हैं अभी 2 मिनट में। पहले मैं इतने को क्या करूँगा, फायरबेस पे डिप्लॉय कर दूँगा, ठीक है। जब मैं इतने को फायरबेस पे डिप्लॉय करूँगा ना, तो क्या होगा कि मैं जो इधर इंस्पेक्शन करूँगा ना दोबारा, अब इसको कट कर देता हूँ मैं। अब ये जब दोबारा इंस्पेक्शन करूँगा ना, तो ये मुझे एरर नहीं देगा ये वाले सारे, ठीक है। ये वार्निंग दे रहा है, ये एरर दे रहा है ना, ये नहीं देगा। फिर वो बोलेगा ठीक है, बस सब ओके हो गया आपका ना। सर्विस वर्कर अभी भी नहीं ऐड किया हमने, तो एक एरर तो आना चाहिए एटलीस्ट, सही है। ये मुझे बता रहा है कि रिक्वायर्ड क्या है, सर्विस वर्कर रिक्वायर्ड है, वो आप
नहीं आपने किया हुआ, ठीक है। तो ये पहला जो पार्ट था ना मैनिफेस्ट, वो हमने कर लिया है। अब ये जो दूसरा पार्ट है ना सर्विस वर्कर, ये हमने करना है अभी। और ये तीसरा पार्ट सिक्योरिटी है, इसमें कुछ नहीं करना होता, ये बस वैसे ही HTTPS पे बोलता है कि बस होना चाहिए, ये ओके ऑलरेडी कम्प्लीटेड है हमारा, ठीक है। और ये हम किस पे कर रहे हैं, ये स्टॉक जो ऐप होती है क्रिएट रिएक्ट ऐप की, ये हम उस पर कर रहे हैं। इसको मैंने रिफ़्रेश किया ऐप को, ठीक है, आई थिंक ये हो चुका है वहाँ पर रिफ़्रेश। तो मैं इसको क्या करता हूँ, बैक करके ना यहाँ पर दोबारा से वो URL पेस्ट, क्या किया मैंने, ये URL यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी, और ये URL पेस्ट कर दिया मैंने। ये खुद ही अब इसको इंस्पेक्ट करेगा और अब ये बोलेगा कि भाई आपके सारे मसले हल हो चुके हैं वो वाले, ठीक है। मैनिफेस्ट ये कह रहा है 11 out of 25 है आपके पास, एनालाइज कर रहा है अभी, ये 2 मिनट लगेंगे इसको एनालाइज करने में। सही है, अब इसके एरर ना काफ़ी जो है वो कम हो चुके हैं। अच्छा, कैटेगरीज इसको अभी भी नहीं मिल रही हैं, राइट, सही है। अच्छा, मैनिफेस्ट में ना अब इसने बता दिया कि यार ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं आपकी, ना कह रहे ओरिएंटेशन आप सेट कर लें, कह रहे शॉर्टकट की फील्ड सेट कर लें, ये सारी चीज़ें कह रहे आप सेट कर लें ना, सही है। ऑप्शनल जो चीज़ें हैं वो ये सारी हैं, नई भी ऐड करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये कह रहा है कि भाई ऐड कर लें आप ये, ठीक है। आपको ऐड करना है, अगर एडिट मैनिफेस्ट में जाएंगे आप, इसको स्क्रॉल करते जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, मैंने सम डिस्क्रिप्शन ही लिख दिया, ठीक है। ऐसे करके आप लिखते जाएं, बैकग्राउंड कलर आपने चेंज, अच्छा ये कह रहा है कि, अच्छा लास्ट में कह रहा है वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने कलर यहाँ से कोई रेड वेड सेलेक्ट कर लिया, कुछ और सेलेक्ट कर लिया, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे ना यहाँ से कलर, वो क्या होगा, वो इसके अंदर ऐड होता चला जाएगा सर्विस वर्कर, और इसमें मैनिफेस्ट में सेटिंग में जाके ये URL वगैरह है, ये डायरेक्टरी है, सब कुछ है, ये सब चीज़ें आपने क्या कर लेनी है, इसको सेट कर लेना है। अब ये डायरेक्टरी चीज़ क्या है, इसमें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में ले जाएगा और ये बताएगा कि ये डायरेक्टरी काम क्या करती है, ठीक है। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें एक सिंपल सी बिल्कुल बनानी है PWA, जिसमें एज इट इज़ वही मोबाइल ऐप बना दे उसको, वो जो मेरे पास अभी ऐप खुलती है ना वेब एप्लीकेशन, उसको जस्ट वो मोबाइल ऐप बना दे, ठीक है। ये जो सेटिंग्स है ना सारी, ये DIR ये सब ये एडवांस सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो ये आप एक एक करके उसको देख सकते हैं कि ये काम क्या करती हैं, इसको आप सेट ना भी करें तो आपका काम बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। अब ये IARC ID क्या चीज़ होती है, ठीक है, डिस्प्ले व्हाट एजेस आर सूटेबल फॉर PWA, कि किस एज के लिए PWA आपने बनाई हुई है। तो इस IRCA के अंदर कौन कौन सी चीज़ लग सकती है, अब हर एज का एक होगा, 13+ 18+ क्या होता है वो, IRCA करके यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ना ये IARC इसमें कोई एज का कोई कोड होगा, जैसे एक होता है ना एज कोड्स इन मूवीज़ के अंदर होता है ना एज का कोड होता है, हाँ ये PG होता है, PG-13 होता है, R-rated होता है, R-rated वो होता है इसमें खून खराबा दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये NC-17 है, वो क्लियरली होता है ये एडल्ट के लिए बना हुआ है, ये एडल्ट मूवीज़ है। तो मतलब ऐसे मूवी की रेटिंग होती है, इस तरह ऐप की भी होती है। तो ये IRCA की जो है ना रेटिंग आप गूगल कर लेंगे कि कौन कौन सी होती है, तो उसमें से आपको ये इसको लगा देंगे कि भाई ये वाली रेटिंग है, सही है। कॉन्टेंट रेटिंग IRCA लोकली रेलिवेंट IRCA रेटिंग गाइड, ये पूरी एक गाइड है कि अच्छा ये सब है IRCA। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपने एज को बोल देता हूँ कि भाई 3+ है ये, सही है। मैंने कहा भाई 3+ है मेरी वाली, सही है 3+। अच्छा, तो इस तरह जो भी चीज़ सेट करेंगे ना, लास्ट में जब आप पहुँचेंगे ना इधर कोड में, तो वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुकी होगी। जैसे मैंने देखें IRCA रेटिंग ऐड की ना, तो वो यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। लेकिन मैनिफेस्ट में जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं। सर्विस वर्कर सिरे से मौजूद ही नहीं है हमारे पास, तो मैंने क्या बोला कि जनरेट अ सर्विस वर्कर फाइल, ठीक है। जनरेट अ सर्विस वर्कर फाइल में इसने मुझसे क्या पूछा कि भाई आपको ना क्या क्या इसमें ऑप्शन चाहिए। वैसे तो ये कोड होता है बड़ा कोई वाहियात किस्म का, ख़ुद से लिखने में जान निकल जाती है ना, तो लेकिन इन्होंने क्या किया है, आसान कर दिया, पहले से ही लिख के दे देते हैं। ऑफलाइन पेज कॉपी और ऑफलाइन कॉपी विद बैकअप ऑनलाइन ऑफलाइन पेज, ये तीन तरह के होते हैं ना हमारे पास सर्विस वर्कर। एक होता है ऑफलाइन पेजेस, बिल्कुल ही ऑफलाइन चलेगी आपकी ऐप ना, बगैर इंटरनेट के भी वो खुलती रहेगी, काम होता रहेगा। अच्छा
दूसरा वाला हमारे पास होता है ऑफलाइन पेजेस होंगे और पेज की वो कॉपी बना लेता है, कॉपी बना के रख लेता है और उसको हर 24 आवर पे आई थिंक वो अपडेट मारता है। अच्छा, और तीसरा होता है कि ऑफलाइन कॉपी विद बैकअप ऑफलाइन पेजेस। तो मेरा ख्याल है हमारा जो फर्स्ट वाला है वो हमारे लिए सबसे सूटेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इसके कोड को, ठीक है। क्लिक बिलो इंस्ट्रक्शन टू रजिस्टर डाउनलोड सर्विस वर्कर, ठीक है। सर्विस वर्कर ये मेरे पास आ चुका है इस वक्त, डाउनलोड कर लिया मैंने। ये छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन है कि सर्विस वर्कर को इंक्लूड कैसे करना है आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ना। अच्छा, इसको इंक्लूड करने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है कि आप क्या करते हैं, ऐसे स्क्रिप्ट बना लेते हैं एक अपनी ऐप के अंदर, जो आपका जो वो है ना, क्या कहते हैं, पब्लिक का जो आपका ये HTML है उसके अंदर आप ये ना स्क्रिप्ट लगा देते हैं छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी। सही है, यहाँ पे आप गए पब्लिक के अंदर, HTML, index.html। अब index.html के अंदर ना कहीं पे भी हेड में भी लगा सकते हैं, इन्होंने कहाँ बताया वैसे लगाना, हेड में लगा यू कैन रजिस्टर इन द index.js, ठीक है, इन्होंने ये नहीं बोला कि कहाँ लगाना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको हेड के आखिर में लगा देता हूँ, इधर आके ना ये पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा, अब इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा इफ़ टाइप ऑफ नेविगेटर डॉट सर्विस वर्कर इज़ अनडिफाइंड, मतलब अगर इस साइट के लिए जो खुली हुई है इसके लिए अगर अभी तक कोई सर्विस वर्कर रजिस्टर नहीं हुआ हुआ है तो आप क्या करो, इस नाम से एक फ़ाइल होगी उसको आप रजिस्टर कर दो। इस नाम की यहाँ पे कोई फ़ाइल अभी मौजूद नहीं है, तो ये वो फ़ाइल है जो मैंने डाउनलोड की थी यहाँ से ना, इसको मैं यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ इधर। सही है, pwaservicewerker.js। तो अच्छा, PWA बिल्डर ने अपना नाम लगाया हुआ है, इनका नाम मैं सबसे पहले इसमें से रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ सिर्फ sw.js है ये, ठीक है, sw.js। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी सारे एरर्स भी आ रहे हैं लेकिन उन्होंने जनरेट किया तो सही किया होगा, ठीक है। तो sw.js इसका नाम भी है, sw.js इसका नाम भी है, तो ये नाम हमारा क्या हो गया, मैच हो गया। अब मैं इसको दोबारा से फायरबेस पर डिप्लॉय कर दूंगा और जाके दोबारा से एनालाइज करूंगा, तो अब इसको शो करना चाहिए कि हाँ यार आपका सर्विस वर्कर सही तरह से अटैच हो गया है। सही है, क्रिएटिंग अ सर्विस वर्कर। अच्छा, इसमें कभी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे जो गेटिंग स्टार्ट था ना, क्विक स्टार्ट, इसमें इन्होंने ये एक रिपोजिटरी पहले से दी हुई है जो मैं आपको खोल के दिखा भी चुका हूँ। इस रिपोजिटरी में यही सारा काम हुआ हुआ है, ठीक है। अगर मैं पब्लिक में जाऊँगा यहाँ पे तो आप देखें manifest.json और serviceworker.json, ये दोनों यहाँ पे पड़ा हुआ है और एसेट्स के नाम से है, वो आइकन का फोल्डर है ना, आइकन स्क्रीनशॉट सारा ये ऐसे करके इन्होंने बनाया हुआ है। तो स्ट्रक्चर आप बिल्कुल ऐसा करके बना सकते हैं। मैनिफेस्ट को अगर मैं खोल के देखूँ तो आप देखें ये सारा इसमें वही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं बजाय इसके कि खुद जनरेट करें आप, ठीक है। अगर मैं सर्विस वर्कर डॉट जे एस को मैं ओपन करता हूँ तो ये सर्विस वर्कर डॉट जे एस का कोड है। इन्होंने ना यहाँ नहीं लिखा, एक ड्राइव का लिंक लगाया हुआ है कि ड्राइव पे एक सर्विस वर्कर लिखा हुआ है, वहाँ से उसको मतलब किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच की हुई है। तो हम देखते हैं जी हमारा ये अपलोड हो चुका है कि नहीं अपलोड हो चुका है, होस्टिंग हो गई है हमारी फायरबेस पे। अब हमने क्या करना है, जाके ना दोबारा से इसको बोलना है कि भाई हमारा ना आप चेक करो, वो चेक करो हमारा क्या बोलते हैं कि सर्विस वर्कर बन गया हमारा या नहीं बन गया। उसके लिए मैंने क्या करना है, दोबारा से अपने ऐप का URL जो है वो कॉपी करना है और ऐप का URL कॉपी करके इधर पेस्ट करके स्टार्ट का बटन दबा देना है। अब ये बोलेगा कि हाँ भाई सर्विस वर्कर भी आपका क्या हुआ हुआ है, ऐड हुआ हुआ है, और नतीजतन क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिखने लग जाएंगी जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। अभी मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया ना, तो ज़रा एनालिसिस चल जाए यहाँ पे पूरा, फिर हम इसका जो है ना लगाते हैं। अब इसमें ये लोगो वगैरह जो है ना वो भी हमारा वाला आना चाहिए जो हमने डाला हुआ है। ये क्या सीन है यार, अपलोड नहीं हुआ क्या, या तो डिप्लॉय सही तरह नहीं हुआ या तो हमने उसको सही तरह लगाया नहीं है। अभी तो फायरबेस डिप्लॉय चलाया है हमने, ये चल गया है क्या, हाँ चल तो गया, सही चल गया। ओ अच्छा, ये इस वजह से नहीं चलाया, मैंने NPM रन बिल्ड नहीं किया ना, क्योंकि किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट जब तक मैं NPM रन बिल्ड नहीं करूँगा वो बिल्ड फोल्डर में पहुँचेगा ही नहीं इनमें से कुछ भी। तो मैंने क्योंकि NPM रन बिल्ड नहीं चलाया था इस वजह से ये उसका रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था मेरे पास। अब इसको करूँगा मैं डिप्लॉय, सही है ना, यहाँ पे नहीं है कोई सर्विस वर्कर कुछ भी ऐड नहीं हुआ,
इसीलिए नहीं ऐड हुआ क्योंकि मैंने एन पी एम रन बिल्ड नहीं पहले चलाया था। ठीक है अब हो जाना चाहिए इसको प्रॉपर। अब मैं इसको यहाँ पे भी रिफ्रेश करूँगा तो ये हाँ देखें फ़ौरन ना इंस्टॉल का बटन देखें फ़ौरन आ गया यहाँ पे। अब इधर भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे भी ये शो कर देगा कि हाँ भाई सर्विस वर्कर लग चुका है आपका। ठीक है लेकिन लोगो भी हमारा नॉर्मली फ़ौरन से वही वाला आ गया। ठीक है सर्विस वर्कर में क्या कह रहा है, दो चीज़ है दो नहीं है, ये क्या मतलब है भाई, क्या चीज़ नहीं है सर्विस वर्कर में। डज नॉट यूज़ पीरियोडिक सिंक। अच्छा तो पीरियोडिक सिंक लगा लेते हैं फिर। पीरियोडिक सिंक का तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ यहाँ पे, कैसे लगा लें। इसमें पीरियोडिक सिंक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। यहाँ पे ना सर्विस वर्कर में भी वो ऑप्शन आते थे पूरे ना नेक्स्ट नेक्स्ट करने वाले, वो पता नहीं आ ही नहीं रहे। सर्विस वर्कर डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं कि पीरियोडिक सिंक क्यों नहीं इसमें आया हुआ। चेंजिंग अ सर्विस वर्कर फाइल एग्जांपल वर्कर। ठीक है ये आप खुद से भी इसमें से देख के भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे करके ना क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं इसको ना पीरियोडिक सिंक ये कहाँ पे बता रहे हैं। एक मिनट यहाँ पे इन्होंने पीरियोडिक सिंक नहीं बताया। वेल जो रिक्वायर्ड चीज़ थी मेरी वो मेरे पास आ चुकी है। अब ये कह रहा है पीरियोडिक सिंक इसमें नहीं लगा हुआ और डू नॉट यूज़ बैकग्राउंड सिंक फॉर रिच ऑफलाइन एक्सपीरियंस, ये भी नहीं लगा हुआ। ठीक है तो मे बी हम इसमें से सेकंड वाला ट्राई कर सकते हैं या थर्ड वाला ट्राई कर सकते हैं। ठीक है उसमें ये चीज़ें लगी हुई होंगी। ऑफलाइन वाला क्या? ऑफलाइन वाला ये होता है कि भाई आप अभी मैं दिखाता हूँ ना आपको क्या है ये। अच्छा ये मेरी रिएक्ट की ऐप खुल गई। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा ना तो ये इंटरनेट इसको चाहिए होता है इस पेज को ओपन करने के लिए, लेकिन अब क्या होगा कि अगर इंटरनेट चला भी जाए ना तो भी मैं इस पेज को खोलूँगा ना इतना पेज खुल जाएगा, ये पेज खुल जाएगा इतना, ये आपको पेज खुलने में मना नहीं करेगा। ठीक है अच्छा और ये इंस्टॉल का जो बटन है ना, इंस्टॉल के बटन को जैसे ही क्लिक किया मैंने आप देखें क्या लिखा हुआ गया यहाँ पर, इंस्टॉल दिस ऐप। और इस ऐप का नाम क्या होने वाला है, क्रिएट रिएक्ट ऐप इसका नाम होने वाला है। इंस्टॉल का बटन दबाया मैंने, ये देखो मेरे पास एज अ ऐप ये इंस्टॉल हो गया आ गई, सही है एज अ ऐप ये इंस्टॉल हो गया आ गई। इसको मैंने बंद कर दिया, मैं इधर गया मैंने सर्च मारा या मेरे मेन मेन्यू में भी आ चुकी होगी ना, किधर है मेरा मेन मेन्यू, हाँ ये है मेरा मेन मेन्यू ना मेरे कंप्यूटर का, ये देखो इसके अंदर ये ऐप की तरह इंस्टॉल हो गई है, इधर क्लिक मारा मैंने ये इंस्टॉल हो गई, सही है ये इंस्टॉलेबल ऐप बन चुकी है हमारे पास। अब इसको मैं क्या करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन आपको अगर शेयर करता हूँ, मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन आपको अगर शेयर करूं, पहले ज़रा मैं नोटिफिकेशन क्लियर कर लूं सारे और मैं फोकस मोड पे आ जाऊं ताकि जो है ना कोई तंग ना करे। अच्छा ये मैंने जो है ना ब्राउज़र ओपन कर लिया, ठीक है जब मेरे फ़ोन की स्क्रीन आप लोगों को दिखना शुरू हो गई होगी आई होप। और इसमें मैं ऐप का यूआरएल लिख देता हूँ, क्या था यूआरएल यार ऐप का पता नहीं क्या यूआरएल था, एक मिनट इसको कैंसिल करके ज़रा यूआरएल कॉपी करते हैं यहाँ से। मेरी ऐप का यूआरएल क्या था भाई, क्या यूआरएल था मेरी ऐप का, कंट्रोल एक मिनट यार, यहाँ पे आ रहा था ना यू आर एल, ये था मेरी ऐप का यू आर एल,
सही है, इसी को मैंने फोन पे भी ओपन करना है ना एक्चुअली, तो ये मैंने इसको फोन पे जो है ना ओपन कर दिया इस यूआरएल को। सही है, ये मेरे फ़ोन की स्क्रीन आपके पास आ गई। ये मैंने यूआरएल टाइप कर दिया और यूआरएल टाइप करके मैंने एंटर का बटन दबा दिया, ये मेरी ऐप खुल गई। और जैसे ही ये ऐप खुल गई है ना, तो इसके साथ साथ इसमें क्या आ जाता है, इंस्टॉल का एक, सॉरी ये मैंने उस पर खोल दिया ना, सफारी पे, सफारी पे नहीं आता ये, सफारी पे नहीं आता ये, गूगल क्रोम पे आता है, गूगल क्रोम पे आता है ये। सही है, गूगल क्रोम पे मैंने क्या कर दिया, इसको ओपन कर लिया। अच्छा, अभी तक आया तो नहीं है वो डाउनलोड वाला। ऐड टू होम स्क्रीन ना इसके अंदर आ जाता है फ़ौरन, वो क्वेरी कर लेता है ऐड टू होम स्क्रीन। पता नहीं हमने कोई मिस्टेक की है शायद, जिसकी वजह से नहीं आया अभी तक। ऐड टू होम स्क्रीन की ना फ़ौरन क्वेरी आ जाती है। ये फ़ोन पे नहीं आ रहा, हमने कोई मिस्टेक की है इसकी वजह से नहीं आ रहा। ज़रा एक दफ़ा वापस चलते हैं यहाँ पे और वापस जाके एक देख लेते हैं कि क्या हमने मिस्टेक की है इसमें। ओके, एडिट योर मैनिफेस्ट प्लेटफॉर्म्स, हाँ ये शॉर्टकट हमने सेट नहीं किया, आई थिंक इसकी वजह से ये गड़बड़ कर रहा है। ऐड शॉर्टकट, शॉर्टकट नंबर वन, दिस 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 दिस, नहीं यार। मोबाइल ऐप के ऊपर जो है ना वो नहीं आ रहा, डाउनलोड का हमारे पास बटन नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम हो गई है भी। वो इसी के अंदर ही कहीं एक ऑप्शन होता है, उसको हमें ट्रू करना पड़ता है, तो वो पूछना शुरू कर देता है कि भाई मोबाइल पे भी ये, यानी जैसे डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल का बटन आ रहा है ना, ऐसे ही मोबाइल पे भी आना चाहिए। अभी हम कोई छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, अब हम चलते हैं कि इसको मोबाइल ऐप में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये तो अभी मतलब खुलेगा तो ब्राउज़र में ही और इंस्टॉल का बटन आएगा ना, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ये मोबाइल ऐप में कैसे कन्वर्ट हो ना। अच्छा, पैकेजेस फॉर स्टोर का मैंने बटन दबाया, ठीक है। कह रहा है कि यार ऑसम, योर पी डब्ल्यू ए इज़ स्टोर रेडी। अब ये जो चार बटन देख रहे हैं आप, इन चार बटन में से मैं किसी एक का भी बटन दबाऊंगा ना, ये इंस्टॉलेबल ऐप मुझे निकाल के दे देगा। सही है, जैसे मैंने सबसे पहले एंड्रॉयड का बटन दबाया, कह रहा है कि पैकेज की आईडी क्या होगी, मैंने कहा यही होगी जो लिखी हुई है। ऐप का नाम होगा क्रड, शॉर्ट नेम भी क्रड होगा। सेटिंग इसमें कुछ पूछ रहे हैं मुझसे, ये वर्जन वगैरह, ठीक है, होस्ट कौन सा होगा, ये होगा। इसको मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ में मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आइकन का यूआरएल मांग रहा है ये, कुछ और भी आइकन के यूआरएल हैं इसके, ठीक है। फॉल बैक बिहेवियर, कस्टम टैग, कस्टम टैग स्टैंड अलोन, नोटिफिकेशन इनेबल, लोकेशन इनेबल, ठीक है, शॉर्टकट इनेबल, क्रोम ओएस ओनली। बस सही है, इसने सारा काम मुझे करके दे दिया और मैंने डाउनलोड पैकेज का बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने डाउनलोड पैकेज का बटन प्रेस किया, इसने मुझे एपीके फाइल मुझे दे देगा। ये एपीके फाइल आप सब लोग जानते हैं, एंड्रॉयड की जो ऐप्स होती हैं उसका एक्सटेंशन होता है डॉट एपीके, तो वो फाइल मुझे ये दे देगा जो किसी भी, मैं स्टोर में पब्लिश भी कर सकता हूँ, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके भी देख सकता हूँ उसको। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है उसको जनरेट करने में।
अबे भाई हो जा आज की डेट में यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है अब तो ये। असल में ये क्या कर रहा है, अपनी मशीन के अंदर ना अब पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके और उसको पता नहीं जनरेट वनरेट करके ना, काफ़ी अंदर काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इसका। ये मैनुअली करते थे पहले, आज से 1-1.5 साल पहले तक जो है ना, फिर ये मैनुअली होता था। कि आपको क्या करते थे, पूरी वेब एप्लीकेशन उठाते थे आप और एंड्रॉयड की एक एम्प्टी एप्लीकेशन बना के उसके अंदर रखते थे, इस तरह करके बड़ा लंबा प्रोसेस था। अब तो ये इस प्लेटफॉर्म के आने की वजह से ना बिल्कुल ही आसान हो गया ये, और मतलब 2 मिनट में हो जाता है ये। अभी मुझे मेरे ख्याल है सारे ऑप्शन 2 मिनट में ही दिए हैं इसने। अच्छा ये मुझे ना पूरा इसने जिप फाइल एक बना के दी है। इस जिप फाइल के अंदर आप देखते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद है ना। इस जिप फाइल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है मेरे पास, एक तो है APK फाइल, सही है, जो स्टोर पे अपलोड होती है ना, ये वो APK फाइल है। ठीक है, मेरे पास अभी एंड्रॉयड का फ़ोन अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको ये APK इंस्टॉल करके भी दिखा देता। अच्छा उसके अलावा इसने ना मुझे कुछ और भी फाइल्स दी हैं। एक तो मुझे साइनिंग इन्फो दिया है, क्योंकि इस स्टोर पे जब फाइल अपलोड होती है ना, तो उसकी ना एक की स्टोर होता है उसका, ठीक है, एक उसका यानी समझ जाए आप, एक तरह का पासवर्ड होता है ना, कि कल को आपको अगर वो ऐप अपडेट करनी है ना, तो वो आप क्या करते हैं यहाँ कैसे इस की के ज़रिए अपडेट करते हैं। तो वो की मौजूद है, उसका पासवर्ड क्या है, ये सब कुछ पासवर्ड वगैरह लिखा हुआ है ना, कि भाई उसका की का फाइल का नाम क्या है, उसका ये देंगे पासवर्ड है, ये पासवर्ड आप भूल जाएं अगर, तो फिर आप इस ऐप को अपडेट नहीं कर सकते इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें मुझे दी हैं। रीडमी में कुछ पता नहीं क्या लिखा है इसने, रीडमी को खोल के देख लेते हैं। अच्छा रीडमी में तो ये इसने अपना लिंक खोल दिया है, ठीक है। अब पब्लिश कैसे होगा PWA, ये पूरा इन्होंने बताया है कि पब्लिश कैसे होगा। सबसे पहले आपको ना एक प्ले स्टोर का अकाउंट बनाना होता है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर जो एक स्टोर है उसका एक अकाउंट होता है, जो कि $25 का होता है, ठीक है। $25 में एक दफ़ा अकाउंट बना लो, ज़िंदगी भर फिर वो अकाउंट आपके पास रहता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है, आपने द फर्स्ट स्टेप टू जनरेट द PWA बिल्डर, वो कह रहा है इधर URL लिखो, URL लिखने के बाद इधर जाओ और एंड्रॉयड पे जनरेट पे क्लिक कर दो। यहाँ तक का काम तो हमने कर लिया है। आपसे ये कुछ बातें पूछेगा, बातें पूछने के बाद बोलेगा भाई डाउनलोड पैकेज, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में कौन सी चीज़ क्या है वो बता रहा है, कि भाई पैकेज आईडी क्या होती है, ऐप नेम क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता रहा है, नेव कलर, डार्क नेव कलर, ये सब ऊपर से नीचे तक जो जो पूछेगा ना वो बता रहा है। अब पब्लिश कैसे करना है, पब्लिश ऐसे करना है आपको कि आपको ना पहले ना ये एसेट लिंक जो है ये अपने ऐप के अंदर भी डालना है, जो फायरबेस पे डिप्लॉय हुई भी है ना, ये आपको ना उस पर भी डालना है, ये वाला ऐसे करके, ठीक है। क्या होगा ये डॉट वेल नोन डॉट एसेट लिंक, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो ये एसेट लिंक जो है ना मेरा, इसको मुझे कहाँ लाना होगा, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर लाना होगा मुझे, ठीक है। ओ पब्लिक में लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सही है, पब्लिक में लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब मुझसे ये क्या कह रहा है कि आपने ये एसेट लिंक को आपने किस उस पे लगाना है, यानी किस URL पे लगाना है। वो कह रहा है कि भाई जब मैं आपका URL खोलूँ ना और उस पे लगाऊँ /well-known और /asset-link, तो आपका ना ये खुल जाना चाहिए सीधा, ये पूरा JSON आ जानी चाहिए सामने आपकी, ठीक है। तो मेरे मेरे केस में जो है ना, मुझे ये डॉट वेल नोन का फोल्डर बनावा नहीं है अभी, ये डॉट वेल नोन का फोल्डर मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा डॉट वेल नोन और ये उसके अंदर एसेट लिंक, सही है, तो मेरा ख्याल है अब सेट हो गया है। अब इसको मैं दोबारा से डिप्लॉय करूँगा, मैंने कहा NPM रन बिल्ड और दोबारा से डिप्लॉय करूँगा और दोबारा से, ये मेरा जेसन है ना, ये मेरा जेसन है। अब ऐसे करके मैं लिंक खोलूँगा ना, तो ये जेसन की फ़ाइल खुल जानी चाहिए, अगर खुल जाती है तो इसका मतलब है कि सेट हो गया है, मसला हल हो गया है मेरा, ठीक है। अच्छा ये APK फाइल ना मैं आपको भेज भी देता हूँ इधर, अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो इसको ज़रा इंस्टॉल करके देख ले अपने पास। ठीक है ये मैं इधर भेज रहा हूँ, ओ ये तो मेरे पास ही आ गया, इसमें फाइल नहीं भेज सकते क्या, अच्छा इसमें फाइल नहीं भेज सकते, तो मैं काम करता हूँ ना air.sysborg.com, ठीक है air.sysborg.com और क्लास आईडी है इसकी वेब, ठीक है, इस पे मैं डाल रहा हूँ ये फाइल, ठीक है ना, इस पे मैं ये फाइल डाल रहा हूँ। सर ग्रुप पे भेज दें, ग्रुप में भी भेज दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है अभी। सर iOS के लिए क्या करना पड़ता है, iOS का भी बता देता हूँ मैं, सब हो जाता है इसके अंदर। iOS में वैसे फुल सपोर्ट अभी है नहीं ना इसकी, बहुत जल्दी आ जाएगी लेकिन इंशाल्लाह। कहाँ गया भाई ये crud.apk है ना, ये रहा, ये मैंने air.sysborg.com और क्लास आईडी आपकी वेब है ना इसमें। अच्छा ये इमेज ब्रोकन इमेज आ रही है, लेकिन इस पर क्लिक करोगे ना डाउनलोड हो जाएगा ये, सही है, ये इमेज ब्रोकन पता नहीं क्यों आती है, इस पर क्लिक करोगे लेकिन तो ये डाउनलोड हो जाएगा प्रॉपर, देख लो बना एक दफ़ा क्लिक करके।
अच्छा ये इसने जो है ना वो भी नाम भी गलत लगा दिया है इसमें। लास्ट में ना डॉट ए पी के लगा देना, सही है डॉट ए पी के लगा देना लास्ट में। असल में ये ना ए पी के फाइल सपोर्टेड नहीं है। चलो मैं काम करता हूँ, पूरा जिप भेजता हूँ तुम लोगों को, पूरा जिप भेज देता हूँ मैं। ये पूरा जिप है ना, कितने का ये 800 KB का ना चला जाएगा, सही है। इसको पूरा जिप मैं तुम लोगों को भेजता हूँ। इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ये जो है ये असल में प्लेटफॉर्म ना थोड़ा सा ब्रोकन चल रहा है। ये पूरा जिप भेज रहा हूँ, ऑल फाइल और जिप, सही है पूरा जिप भेज दिया मैंने, उसमें सब आ गया। असल में एपीके फाइल ना इसमें सपोर्टेड नहीं है, वो मैंने ज़बरदस्ती भेजी तो वो ब्रोकन फील करा रही थी। जिप फाइल इसमें सपोर्टेड है, तो यहाँ से जिप को डाउनलोड करो और वो एपीके अपने पास इंस्टॉल कर लो, सही है, जिसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन इस वक्त मौजूद है क्लास में। अच्छा तो अब मैंने क्या करना था, मैंने कहना था डॉट वेल नोन और डॉट क्या था मेरा ये एसेट लिंक, सही है एंटर। अभी ये लिखने से मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा ना, खाली आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फायर बेस डिप्लॉय चला दूँगा, npm run build चला दिया था ना मैंने, दोबारा चला देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है npm run build दोबारा चला देता हूँ। फायर बेस डिप्लॉय इसके बाद चला देता हूँ। अब असल में अभी जब आप APK इंस्टॉल करेंगे ना, तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो ब्राउज़र की तरह खोलेगा उस APK को। लेकिन जब ये वेब ये जब चला जाएगा ना वेल नोन के ऊपर, जब ये प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर वो ब्राउज़र की तरह नहीं खुलेगा, फिर वो एक्चुअल मोबाइल ऐप की तरह खुलेगा, सही है। अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ देखें ये आ गया, शो हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि ये बेस्ट हो चुका है अब, ठीक है अब ये प्रॉपर हो चुका है। ठीक है इसको क्रॉस किया मैंने, अब ज़रा iOS की बारी है, तो iOS का भी ट्राई मारते हैं। ठीक है iOS में मुझसे ये ज़्यादा सवालात नहीं पूछ रहा, मुझसे नहीं पूछ रहा यार, सारे सवाल पूछ रहा है ये भी। स्प्लैश स्क्रीन पूछ रहा है, ये स्प्लैश स्क्रीन भी पूछ रहा है हाँ। ठीक है account.google.com परमिट URL दिस, ये क्या है परमिट URL, बस खैर हो गई, बस डाउनलोड पैकेज का बटन दबा देता हूँ। डाउनलोड पैकेज का मैंने बटन दबा दिया। ये iOS वाला मैंने भी कभी किया नहीं है, एंड्रॉयड तो मैं करता रहा हूँ पहले। ठीक है अच्छा ये तो मैंने डाउनलोड कर लिया, जिप फाइल इसने मुझे डाउनलोड करके दे दी। और इस जिप फाइल के अंदर क्या है, पूरा एक्स कोड का प्रोजेक्ट है। ठीक है ये एक्स कोड जो है वो क्या होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो की तरह एक चीज़ होती है जिसमें हम क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं क्या कहते हैं iOS की एप्लीकेशन बनाते हैं। तो मैं ये जो लिखा हुआ है ना एक्स कोड प्रोजेक्ट, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा ना तो ये एक्स कोड ओपन कर देगा। एक्स कोड जो है इसका एडिटर है जिसके अंदर इसकी एप्स बनती हैं, तो ये एडिटर ओपन हो जाएगा हमारा। अच्छा इसके लिए फिर आपके पास एक ज़रूरी चीज़ भी है कि आपके पास मैक होना चाहिए, विंडोज़ पे आप ये काम नहीं कर सकते। अच्छा ये एक्स कोड मैंने बड़े दिनों बाद खोला है, तो ये मुझसे पता नहीं क्या एग्रीमेंट मांग रहा है, सही है। ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द प्लेटफॉर्म यू वुड लाइक टू इंस्टॉल। ठीक है मैंने दो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किए हैं इंस्टॉल। अच्छा कुछ अपडेट हो रहा है ना एक्स कोड में, कुछ अपडेट हो रहा है आई थिंक। तो एंड्रॉयड के केस में इसने मुझे क्या किया था, APK फाइल बना के दे दी थी, लेकिन एक्स कोड, अच्छा ये एक्स कोड अपडेट होके मेरे पास खुल चुका है। और अब मैंने ये ना दोबारा प्रेस करना होगा मुझे शायद इसको। क्रड इज़ अ प्रोजेक्ट डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, आर यू ओपन। हाँ भाई सही है, आई ट्रस्ट ओपन, ठीक हो गया। और ये मेरे पास ऐप जो है वो चल के आ चुकी है, बन चुकी है पूरी ऐप। ये पूरा इसका फोल्डर का स्ट्रक्चर है, ठीक है ये इसका डेलीगेट है और इसकी ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। ये स्विफ्ट में इसका सारा का सारा कोड लिखा हुआ है। इसकी स्क्रीनें किधर हैं, पता नहीं किधर हैं स्क्रीनें, सही है। ये इसकी लाइब्रेरीज़ हैं, पॉड्स हैं इसकी ये। और ये क्रड डॉट ऐप का ना ये मेरी फाइल है। अच्छा तो अब मैंने क्या करना है, इसको प्ले का बटन दबाना है, लेकिन प्ले का बटन किस पे दबाना है। अच्छा बिल्डिंग ही फेल हो गया, ये तो क्या हुआ भाई, अनेबल टू ओपन सेटिंग फाइल। अच्छा इन्होंने भी नेक्स्ट स्टेप ना बताया हुआ है कि भाई पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, वहाँ ज़रा जाके देखते हैं कि इन्होंने स्टेप्स बताए होंगे ज़ाहिर है कि भाई ऐसे ऐसे करके करना है। इसने कहा भाई iOS का बटन दबा दो, डाउनलोड हो गया बिल्डिंग योर पैकेज। कह रहा है कि भाई बिफोर इंस्टॉल द प्रोसेस सबमिशन रन। अच्छा अच्छा
पॉड इंस्टॉल भी तो उसमें करना होगा ना, पॉड तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ इसमें। जैसे पैकेज डॉट जेसन होता है ना हमारे पास, इसी तरह इनके पास पॉड्स होते हैं इस वाले में। अब तो खैर चेंज हो गया, वो नया आ गया, ये थोड़ा सा पुराना वाला वर्जन है iOS का, इसमें पॉड इंस्टॉल होते थे। अच्छा, तो डाउनलोड करने के बाद मुझे क्या करना था, अनजिप द फोल्डर, ओपन द टर्मिनल SRC डायरेक्टरी, रन द पॉड इंस्टॉल। तो ठीक है, SRC की डायरेक्टरी में जाके मैं पॉड इंस्टॉल चला देता हूँ। पहले SRC की डायरेक्टरी में मैंने टर्मिनल में ओपन किया, एक मिनट यार, SRC पे ही तो खोला था मैंने। हाँ, ये SRC में मैं खुल गया, और अब मैंने करना है पॉड इंस्टॉल। सही। अच्छा, पॉड जो है वो इंस्टॉल, मेरे पास पॉड मौजूद ही नहीं है इसके अंदर ना, तो कह रहा है कि भाई अगर आप पॉड मौजूद नहीं है आपके पास तो आप पहले ब्रू इंस्टॉल कोकोआ पॉड करेंगे, ठीक है, ताकि पॉड आपके पास आ जाए। ये मैं iOS के लिए बता रहा हूँ, ये आप विंडोज़ पे ये कोई भी कमांड नहीं चलेगी, जो मैं ये अभी बता रहा हूँ ना iOS वाली, ये विंडोज़ पे कोई भी कमांड ये काम नहीं करेगी, ये सिर्फ मैक पे करेगी, क्योंकि जो iOS की एप्स बनती है ना वो स्पेसिफिकली मैक के ऊपर बनती है, विंडोज़ के ऊपर उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दी इसकी ना। लिनक्स यूबंटू पे चल जाएगी, किसी पे भी नहीं चलती, सिर्फ मैक पे चलती है। जो iOS की ऐप चलेगी वो सिर्फ मैक पे चलेगी। ये जो एक्स कोड नाम का जो एडिटर है ना, ये होता ही नहीं है विंडोज़ के ऊपर, ना लिनक्स पे होता है, किसी पे भी नहीं होता। मैक की वर्चुअल मशीन भी नहीं बनती ना विंडोज़? वर्चुअल मशीन बन जाती है लेकिन वो बहुत स्लो चलती है। लोग असल में, कुछ लोग वर्चुअल मशीन बनाते हैं, वर्चुअल मशीन का भी एक इन्होंने नाम रखा हुआ है, उसको बोलते हैं ये, पता नहीं हैकिंटोश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं हैकिंटोश नहीं बोलते, कुछ नाम है उसका भी बहरहाल ना, कि वो वर्चुअल मशीन जो बनाते हैं। लेकिन ये है कि मैंने भाई सब ट्राई करके देखा है, कोई भी सही नहीं चलता है इसमें से, ये मैक ही लेना पड़ता है आपको अल्टीमेटली, अगर आपको इसमें काम धंधा कुछ है आपका तो ठीक है। मतलब मैंने एक जो HP का सबसे हैवी मशीन थी ना, ZBook, वो मैंने ली थी, उसमें दो दो हार्ड ड्राइव लगाई थी अलग अलग, और अलग अलग मैंने चलाने की कोशिश की, चलाया मैंने, 2 साल तक मैंने उस पर गुजारा किया था, लेकिन ये है कि वो इतना ज़्यादा तंग करता था ना कि अल्टीमेटली मैंने फिर बोला कि यार छोड़ दो बस। और एक और भी काम करते हैं लोग ना, लोग घर पे ना बड़ा वाला गेमिंग मशीन लेके ना उस पर बनाते हैं हैकिंटोश, तो लेकिन मसला ये है कि वो उसमें ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगाते हैं, पढ़ते हैं, वो इंस्ट्रक्शन होती है इनकी, वो ग्राफिक कार्ड फिर इतने महंगे हो जाते हैं ना कि वो अल्टीमेटली आपको पैसे उतने ही पड़ जाते हैं घूम फिर के। फिर दूसरा ये है कि उस पर अपडेट्स नहीं आती, जितने भी ये दो नंबर मैक मशीन है ना, जैसे हैकिंटोश हो गया या वर्चुअल मशीन हो गई, इसमें अपडेट नहीं आती। सही है, अपडेट करने का मतलब ये है कि आप पूरा दोबारा से डाउनलोड करो, मतलब 40 GB का जो मैक OS है, जैसे विंडोज़ का होता है ना 4-5 GB का होता है, डाउनलोड करो और USB बना के इंस्टॉल कर लो, इसमें वो 40-45-50 GB का होता है, उसको आप डाउनलोड करो और उसको फिर दोबारा से आप इंस्टॉल करो ना, शुरू से सारा काम दोबारा करो। तो मतलब मैक में ये होता है कि अपडेट आई, क्लिक मारा, 200-400 MB डाउनलोड होता है, वो अपडेट हो जाता है। हैकिंटोश में ये वाला ऑप्शन नहीं होता आपके पास, और स्लो अलग चलता है, वो ज़िंदगी अजाब हो जाती है उससे। अबे क्या कर रहा है डाउनलोड भाई, आज की डेट में कर ले बस। सर मैक मिनी सही है iOS के लिए? यार मैक, कोई सा भी मैक हो सही है। नहीं, ज्यादातर लोग ना मैक मिनी यूज करते हैं ना। मैक मिनी जो लोग यूज करते हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि यार मैक मिनी वो क्यों यूज करते हैं। मेरा ये सवाल इस वजह से है कि $700 का है मैक मिनी, और ये $1000 का, तो $300 ऊपर करके आप पूरा पैकेज लो ना। मैक मिनी लेते हो आप, उसके साथ मॉनिटर आप चला रहे हो, वही पुराना घटिया मॉनिटर, ना उसमें डिस्प्ले की कोई क्वालिटी है ना कुछ है, तो अगर तो आप बोलोगे नहीं यार एप्पल का ही मैंने मॉनिटर लेना है, तो वो मॉनिटर 700-800 का अलग है एप्पल वालों का। या अगर आप कोई सा भी टाइप सी का लोगे ना, अगर टाइप सी वाला जो अभी नए मॉनिटर आए हुए हैं जो OLED डिस्प्ले है और अच्छे रेजोल्यूशन में है, ठीक है, 4K रेजोल्यूशन में, या 2K भी अगर कोई है, वो 50-55 हज़ार से कम का नहीं है कोई भी डिस्प्ले। वो तो गूगल के मॉनिटर है ना, गूगल के भी हैं, LG के भी बड़े अच्छे आए हुए हैं आजकल ना, लेकिन मसला ये कि कोई भी 50-55 हज़ार से कम का नहीं है। तो मैक मिनी के साथ आप 50-55 हज़ार का डिस्प्ले लगाओगे, फिर आप कीबोर्ड कौन सा लोगे आप, वही वायरलेस कीबोर्ड लोगे आप, लॉजिटेक वगैरह का कोई सा भी, वो तो मज़ा नहीं कराता। आप मैजिक माउस अगर लोगे ना, मैजिक कीबोर्ड, वही मज़ा कराता है फिर इसके साथ। जी सर, तो बेकार है ना, घूम फिर के पैसे डबल हो जाते हैं आपके।
उससे अच्छा ये है कि आप एक मैकबुक ले लो, बस सीधा खोलो डायरेक्ट चलेगा वो। डिस्प्ले भी इनका अपना होता है, सब चीज़ें बिल्ट इन पैकेज है, माउस वाउस कीबोर्ड सब इसके अंदर लगा हुआ है। बैटरी टाइमिंग भी अब सही इनकी 18 घंटे की बैटरी टाइमिंग होती है, तो सही मतलब ये ज़्यादा सही है ना मेरे हिसाब से। तो मैक मिनी असल में ना मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए बनाया जो स्टूडियो वगैरह रन कर रहे हैं ना, स्टूडियो में ना उनको छोटी स्क्रीन पे काम नहीं होता उनसे, उनको चाहती बड़ी स्क्रीन। ये बड़ी बड़ी स्क्रीन है वो पहले से लगी हुई है। अब उन्होंने क्या करना होता है कि यार मशीन अपग्रेड करती होती है ना, तो वो छोटा मैक मिनी लेते हैं, वो एक मैक मिनी उठा के फेंकते हैं, दूसरा लगा देते हैं, पूरा सेटअप उनका पहले से लगा हुआ है, उनके लिए बनाया गया है मेरे हिसाब से ये। तो अभी वो अल्ट्रा वाला निकाला ना, इतना बड़ा, वो बहुत पावरफुल मशीन है वो। तो मिसाल के तौर पे स्टूडियो के अंदर वो ना एक ख़ास किस्म का मॉनिटर यूज़ करते हैं, जो कलर करेक्शन वरेक्शन उसमें अच्छी होती है बड़ी ना, तो वो हर मॉनिटर वो यूज़ नहीं कर सकते, वो एक ख़ास किस्म का मॉनिटर यूज़ करते हैं जिसके अंदर जी उन्होंने सर, कलर करेक्शन की सारी सेटिंग की हुई होती है बड़े अच्छे से। तो बस वो लोग फिर यूज़ करें तो अच्छा भी लगता है। एक ज़माने में ना मैक मिनी बड़ा सस्ता हुआ करता था, अब तो मतलब एक 75 का हो गया, वही ना, इक्कीस का। अब तो इसी के ऑलमोस्ट इसी के बराबर के रेट हैं उसके। तो मेरे हिसाब से जो इंडिविजुअल डेवलपर है ना, या इंडिविजुअल डेवलपर नहीं है, किसी कंपनी में अगर जॉब भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कंपनी अगर दे रही है, तो भाई वो मैकबुक देना, फिर ट्रैवल भी कर सकते। अब मैक मिनी में चार्जिंग नहीं होती, बैटरी नहीं होती उसमें, आप जी उसको सर, बिजली से एक लगाओगे तो वो मशीन है चलेगा, बस। और इसमें 18 घंटे की बैटरी टाइमिंग है मैकबुक में, तो फिर ये ज़्यादा सूटेबल हुआ ना, कम से कम हमारे डायनेमिक्स में तो ये ज़्यादा सूटेबल है। मैं इतनी बड़ी स्क्रीन में ना इजीली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। तो मतलब अगर इसमें भी मसला है तो थोड़ी बड़ी स्क्रीन वाला भी इसमें आता है आजकल ना, 15 इंच वाला भी एक इन्होंने निकाला हुआ है, एक सॉरी एक ये 13 इंच का है, एक 16 इंच का है अभी जो नया वाला आया है। बाय द वे अच्छा ये भी 13 इंच भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, अब 14 आता है इसकी जगह, थोड़ा सा बड़ा है इससे, वो 14 इंच है, और 14 है और 16 है, दो इसमें साइजेस हैं, तो 16 इंच वाला ले लो आप। मैंने 16 इंच वाला इसलिए नहीं लिया कि वो थोड़ा हैवी है ना, भारी है वो, इससे तो ज़्यादा ज्यादा भारी है। ठीक हाँ है, मेरे को चाहिए था थोड़ा लाइट वेट और ना मतलब कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा कंफर्टेबल हो। आसानी हो जाए। लेकिन यार ये भी इतना पावरफुल है, मैं 10 चीज़ें एक साथ चलाता हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अभी देखो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी चल रही है पीछे, ये कॉल भी चल रही है, इतनी सारी चीज़ें इंस्टॉल भी हो रही हैं, जी एक्सपोर्ट भी सर, खुला हुआ है, गूगल क्रोम भी खुला हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है इसके अंदर, और ये प्रोसेसर भी दिखा रहा है साथ में मुझे ना इधर। यार ये आज की डेट में होगा इंस्टॉल, पता नहीं क्या कर रहा है। अच्छा हो गया इंस्टॉल, सही है भाई। तो ये मेरे पास पॉड इंस्टॉल हो गया ना, तो पॉड इंस्टॉल करने के बाद मैंने क्या करना था, नहीं पॉड इंस्टॉल ही तो करना था, अभी तो वो किया ही नहीं हमने, पॉड इंस्टॉल चलाना था ताकि जो है ना इसकी डिपेंडेंसीज सारी इंस्टॉल हो जाए। कुड नॉट डिटरमाइन द फोल्डर दिस 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 कोड पर परमिशन नेटटेक फोल्डर, ये क्या हुआ भाई, एक मिनट इसको बंद करके काम करते हैं दोबारा को, इन सबको बंद कर देते हैं, इन सबको बंद कर देते हैं, ये जो मैंने SRC फोल्डर है इसको भी डिलीट मार देता हूँ मैं, यानी ये नए सिरे से करते हैं अब, क्योंकि वो पहले हमने देखा नहीं था ना कैसे होगा, इसको मैंने डिलीट मारा और ये इसको ना नए सिरे से मैंने अनजिप कर लिया, ठीक है। नए सिरे से अनजिप करके ये मेरे पास पूरा VS कोड का प्रोजेक्ट आ गया, इसको मैंने खोला, इसको मैंने कहा कि पॉड इंस्टॉल एंटर, क्या हुआ यार, इसको सूडो करके करना पड़ेगा क्या, सूडो करके कर देते हैं। अब हो गया पॉड इंस्टॉल या नहीं हुआ, हाँ ये पॉड्स का फोल्डर बना हुआ आ गया ना, ठीक है पॉड्स इंस्टॉल हो गए आई थिंक, सही है ये पॉड्स इंस्टॉल हो गए। अब अगला स्टेप क्या था भाई, ये पॉड इंस्टॉल कर दिया हमने, ठीक है, उसके बाद ओपन करना है हमें कौन सा, XC वर्क स्पेस फाइल ओपन करनी है। अच्छा मैंने वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट खोल दिया था, मैंने वर्क स्पेस खोलना था, ठीक है तो वर्क स्पेस खोल लेते हैं हम, ट्रस्ट एंड ओपन, वर्क स्पेस वाली फाइल मैंने खोल ली। अच्छा वो पहले से जो खुला हुआ था उसको भी ऐसे, चलो बहरहाल ये मैंने खोल ली फाइल। अब ये खोलने के बाद अगला काम क्या करना था, प्रोजेक्ट पे और बिल्ड पे क्लिक करना था। इफ़ यू ओपन टू अटेम्प्ट दिस 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 फाइल योर बिल्ड विल फेल, ठीक है ना, हमने ये प्रोजेक्ट खोल दिया था क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट ही खोलते हैं आमतौर पर, लेकिन उन्होंने कहा भाई वर्क स्पेस ओपन करो आप, तो इसने कहा भाई प्रोडक्ट पे जाओ और बिल्ड पे जाओ, ठीक है प्रोडक्ट कहाँ है मेरे ऊपर, ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर बिल्ड है, बिल्ड 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 बिल्ड, ठीक है बिल्ड स्टार्ट हो गया भाई। ठीक है बिल्ड
बिल्ड अभी भी फेल हुआ है इसमें भाई। देखो एक मिनट, इसमें प्रोजेक्ट को ज़रा क्लोज़ करने का ऑप्शन होता है ना, एक प्रोजेक्ट को क्लोज़ करने का ऑप्शन होता है इसमें। असल में मैंने पहले वाला खोला था ना, वो अभी भी खुला हुआ ही आ रहा था। अबे भाई ये हटेगा वैसे यहाँ से। अच्छा सही है, ये हट गया। सही है, अब ये आ गया। अब इसको मैंने क्या करना है, बिल्ड करना है प्रोडक्ट और बिल्ड। क्या एरर दिया इसने, अनेबल टू कॉन्फ़िगर द सेटिंग दिस 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 बिल्ड टारगेट। अच्छा बिल्ड किसके लिए बिल्ड करना है इसको ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, किसके लिए बिल्ड करना है इसको ये नहीं समझ आ रहा, तो हमें काम करते हैं इसको बता देते हैं किसके लिए बिल्ड करना है। मैंने कहा भाई मेरे पास तार से कनेक्ट हुआ हुआ है फ़ोन, उसके लिए कनेक्ट करो, उसके लिए कर दो। शो नहीं कर रहा है इसमें वैसे ये तार वाला फ़ोन, शो क्यों नहीं कर रहा। अच्छा वो इसमें वो लगा हुआ, इसलिए शो नहीं कर रहा। अभी भी शो नहीं किया इसने भाई देखो। सही है, मैंने कहा 14 प्रो के लिए कर दो बिल्ड। अब बिल्ड फेल, इसमें क्या मिस्टेक कर दी मैंने ऐसी जो बिल्ड फेल हो रही है। वेल अच्छा ये कह रहा है भाई आप इस पे प्ले पे क्लिक करोगे तो ये चल जाना चाहिए, लेकिन मेरे केस में ये चल रहा नहीं है ना, मेरे केस में ये चल रहा नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, इसको रिपीट कर लेता हूँ इस स्टेप को दोबारा से। ठीक है, इसको मैं सबको क्लोज़ कर देता हूँ, और इसको सबको क्लोज़ करके जो है ना क्लोज़ विंडो, क्लोज़ एडिटर, क्लोज़ वर्क स्पेस। ठीक है, वर्क स्पेस को मैंने क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया दोबारा से। तो यहाँ से ये रिमूव नहीं हो रहा यार, मैंने क्या मिस्टेक कर दी ऐसी इसमें। दोबारा से करते हैं, SRC में गया मैं, अभी यहाँ पे पॉड का फोल्डर नहीं बना हुआ। इसमें मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया और मैंने यहाँ पे पॉड इंस्टॉल रन किया, तो यहाँ पे पॉड का फोल्डर बना हुआ आ गया। लेकिन यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है शायद, परमिशन ऑन बिट्स फॉर यूज़र दिस 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 शुड बी 006 बट आर 664। इसको यार ज़रा गूगल कर लेते हैं इस एरर को कि क्या एरर है, कोई परमिशन का ही इशू आ रहा है इसको, प्रॉब्लम विद कोकोआ पॉड कह रहे हैं। हाँ ये कह रहा है जब मैं पॉड इंस्टॉल चलाता हूँ तो एनालाइजिंग डिपेंडेंसी भी एरर दे देता है। तो किसी ने जवाब दिया, इन एडिशन टू ओक स्क्वाड आंसर चेक द फिक्स 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 सिंटैक्स नेटजन। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि वही नेट डॉट RC की एक फ़ाइल है, उसको 600 कर दो, उसका परमिशन चेंज कर दो। इसमें ये मौजूद है क्या नेट RC की फ़ाइल, है ही नहीं वो फ़ाइल, तो इसमें मौजूद ही नहीं है। अच्छा मैं साथ में ये भी ऐड कर देता हूँ कि PWA में हो रहा है ये, PWA बिल्डर के अंदर हो रहा है, मैं ये साथ में ये भी मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस बारे में कुछ बात इसने लिखी नहीं है, कह रहे XC वर्क स्पेस बस ओपन करो, इफ़ यू नीड टू इंस्टॉल होम ब्रू, बिल्ड पे क्लिक करो बिल्ड हो जाएगा। अगर मैं सूडो करके पॉड इंस्टॉल चलाता हूँ तो
इसको ज़रा पढ़ लेते हैं इस एरर को। कह रहा है यू कैन नॉट रन पॉड इंस्टॉल एज रूट। अच्छा, ये तो कह रहा है चला ही नहीं सकते आप, सूडो करके चलाना ही मना है। मैनिपुलेट द कोकोआ पॉड केशे इन वी इन इट इंस्टॉल द प्रोडक्ट डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू द वर्जन फ्रॉम अ पॉड फाइल डॉट लॉक लिस्ट 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 सेटअप अपडेट। अच्छा ओके अच्छा, ये कह रहा है आपके यूज़र और मलिक के अंदर कोई नेट आरसी करके कोई फाइल है, वो जो है ना ये वाली चाहिए। तो देखते हैं ये कहाँ पे है फाइल मेरे। कह रहा है मेरे यहाँ पे मलिक में ना कोई फ़ाइल बनाई है इसने, यूज़र मलिक और उसके बाद डॉट नेट आरसी क्या चीज़ है ये डॉट नेट 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 यार कहाँ चले गए ये डॉट ए डॉट बी डॉट सी ई जी के आर एल एम एन। यहाँ पर तो इस नाम की कोई फाइल ही नहीं है। यूज़र मलिक कहाँ है ये यूज़र्स ये मलिक और इसके अंदर डॉट नेट आर सी की ये फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए, बट इसमें तो वो फ़ाइल ही मौजूद नहीं है। डॉट एन ई टी आर सी डॉट एन डॉट एन डॉट एन में एक दो तीन बस ये तीन ही फाइल है। अच्छा यार भाइयों, मेरे पास जो है ना पावर फेलियर हो चुका है एक्चुअली। अच्छा दोबारा से लाइट आ गई वाली। अच्छा आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अच्छा असल में हुआ ये है कि ये नेट आरसी करके कोई फाइल है वो उसको मिल रही नहीं है ना, तो इसलिए जो है वो क्या कर रहा है एरर दे रहा है।
अच्छा, नो इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाई डिफॉल्ट एंड इट इज़ टू मैनुअली क्रिएटेड बिकॉज आफ्टर ऑल इट कंटेन्स योर ओन क्रेडेंशियल्स, जस्ट क्रिएट इन योर फेवरेट एडिटर दिस दिस दिस। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई इस नाम का जो फोल्डर है ना वो आपको खुद बनाना होता है और आपको मतलब पहले से बना हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसने सवाल पूछा था नॉट एबल टू फाइंड दिस 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 नेट आर सी इन योर होम डायरेक्ट्री। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई इज़ जो नेट आर सी फाइल है बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड इन लिनक्स होम डायरेक्ट्री। ठीक है, लिनक्स में भी असल में ये होती है शायद फाइल। और बंदे ने बोला है कि आपका जो होम है इज़ द रॉन्ग लोकेशन इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन दिस दिस दिस। ठीक है, इसको यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आके फ़ाइल बना देता हूँ। यहाँ पे आके फ़ाइल बनाने का तरीका क्या है कि इसको मैं पहले करूँगा कोड में ओपन कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करनी है, मैं एक फ़ाइल न्यू का बटन दबाऊँगा और न्यू करके जो है ना ऐसे बना दूँगा इसको डॉट नेट आर सी। ओ, ये कह रहा है पहले से बनी हुई है डॉट नेट आर सी, तो अभी मैं ढूँढ रहा था तो मुझे मिल रही नहीं थी यार। यहाँ तो पहले से मौजूद है ये डॉट नेट आर सी। अच्छा, ये पहले से मौजूद है तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ सी एच मॉड करना है, और सी एच मॉड करके मैंने करना है कि भाई डॉट यार डॉट नेट आर सी बना हुआ है, पता नहीं मिल रहा क्यों नहीं था पहले। ठीक है, तो मैंने सी एच मॉड करके इसकी परमिशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि ये कह रहा था कि भाई इसकी ना, अच्छा ये 0600 कह रहा था, चलो 0600 कर देते हैं हम। सही है, अब हम चलाते हैं ज़रा इसमें पॉड इंस्टॉल। ठीक है, अच्छा पॉड इंस्टॉल चलाने के लिए मुझे पहले इस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, जो मेरे डाउनलोड की डायरेक्टरी थी और मेरा जो ये वाला डायरेक्टरी थी, मुझे इसमें जाना पड़ेगा। इसमें मैं दोबारा से ओपन करता हूँ वो अपना जो है टर्मिनल, और मैंने कहा पॉड इंस्टॉल एंटर। फाइनली जो ये पॉड इंस्टॉल क्या हो चुका है, होना शुरू हो चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके इसको इतना ढूंढा इस फाइल को, ये मिली नहीं लेकिन, और वहाँ पे वो बना हुआ आ रहा था। ओह अच्छा 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 ये मुझे इसलिए नहीं मिल रहा था कि यहाँ पे फोल्डर्स हैं टॉप पे और वो थी फाइल, राइट। तो फाइल होती है लास्ट में, ये डॉट नेट आर सी ये पड़ी हुई है, मुझे इसलिए नहीं मिल रही थी वो कि वो मैं टॉप पे फोल्डर्स में तलाश कर रहा था, लेकिन ये तो फाइल है, फाइल तो लास्ट में आती है, इसलिए मुझे नहीं मिल रही थी। अब ये डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर रहा है, राइट। अब ये क्या कर रहा है, डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर रहा है। आई होप कि मेरी आवाज़ भी आपको ठीक आ रही होगी और मेरी स्क्रीन भी आपको दिख रही होगी, आई होप। मैं ज़रा वापस से अपना नॉर्मल वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। स्क्रीन स्टक लैग हो रही है, मैं काम करता हूँ इसको, मैं पूरा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम नोट किया था कि अगर आपका जो है ना वो डिसकनेक्ट हो जाए तो आपको ना दोबारा से फिर जो है वो रीलोड करना पड़ता है। सही है, अब मैंने माइक आप अपना ओपन कर दिया और दोबारा से जो है वो आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन और तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये अभी हमारा क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है, कोकोआ पॉड की डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है। तो हमने अभी तक क्या कर लिया, iOS के मुताल्लिक हमने क्या कर लिया, PWA बिल्डर पे जाके हमने अपना URL पेस्ट किया, और URL पेस्ट करने के बाद ये iOS का हमने पैकेज डाउनलोड कर लिया, और इसकी जो पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन है उस पर हम अमल कर रहे हैं। इस पर अमल करते हुए मैंने क्या करना है, इसको मैंने अपने फ़ोन के ऊपर रन करना है, जो फ़ोन मेरे पास मौजूद है उस पर मैंने इसको रन करना है। ठीक है, सिमुलेटर पे भी रन हो जाता है, फ़ोन पे भी हो जाता है। तो ये डिपेंडेंसी जनाब इंस्टॉल हो रही है, तमाम की तमाम जो भी है। थोड़ा सा ये लंबा हो गया प्रोसेस, लेकिन ये है कि एक ही क्लास की मारती है ये। अब इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें इस रिकॉर्डिंग में आ गई हैं, कभी भी आपको PWA बनाना हो
यानी एक वेब एप्लीकेशन को अपने मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करना हो कभी भी, तो ये आपके पास मौजूद रहेगी एज अ डॉक्यूमेंट ये वीडियो। सही है। अच्छा, तो हमने अभी तक क्या कर लिया है, वो कोकोआ पॉड चला लिया है। तो ये पॉड में आप देखें, पहले ना 3 डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही थी, अब ये सारी की सारी इंस्टॉल हो गई है और बहुत सही तरीके से हो गई है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये जो वर्क स्पेस वाली फाइल थी इसको डबल क्लिक करके उसको मैंने ओपन करना है। तो ये क्या होगा, मेरे उसी तरह से एक्स कोड में ओपन हो जाएगा, ट्रस्ट एंड ओपन। अब ये ओपन हो गया। अब आई होप कि इसको जब मैं बिल्ड करूँगा तो ये चल जाना चाहिए, प्रॉपर चल जाना चाहिए, राइट। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट में जाता हूँ और मैं बिल्ड का बटन दबाता हूँ, तो ये बिल्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरे बिल्ड का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो चुका है। ठीक है जी, ये बिल्ड का मेरा प्रोसेस हो चुका है, बिल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और बिल्ड मेरा सक्सेसफुल हो गया। कुछ वार्निंग्स आई हैं लेकिन स्टिल मेरा जो बिल्ड है वो क्या है, वो सक्सेसफुल है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको क्या करना है, रन करना है। मैं प्ले का बटन दबाऊंगा ना यहाँ पे, ये तो ये क्या करेगा, ये इसको ना रन करके ना उसमें वो कर देगा, सिमुलेटर ऑन करके ना, ये सिमुलेटर ऑन करके इस पे ये इस ऐप को चला देगा। लेकिन मैंने ना सिमुलेटर पे नहीं चलाना, मैंने चलाना है फिज़िकल डिवाइस पे, और मेरी फिज़िकल डिवाइस पता नहीं क्यों यहाँ पे शो नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ना मुझे मेरी फिज़िकल जो कनेक्टेड डिवाइस है वो शो होनी चाहिए। सही है, जो कि शो नहीं हो रही, पता नहीं क्या वजह। सर आप तो बड़े फास्ट चल रहे हैं, क्यों, आपने 14 Pro ले लिए? ये तो सिमुलेटर खुला हुआ है ना आपकी स्क्रीन पे, ये दिख अरे रहा है हाँ सिमुलेटर, तो हमेशा नया वाला दिखाते हैं जी ये जी बहरहाल इस तरह चलेगा नॉर्मल, जब मोबाइल ऐप खुलेगी ना तो उस पर इस तरह चलेगा ये। ठीक है, ये लॉगिन है। अब यहाँ से इसको ज़रा जल्दी से हम लॉगिन करते हैं। ये मैंने लॉगिन किया, ईमेल लिख देते हैं हम। कीबोर्ड से क्यों नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ से क्यों लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, मेरा कीबोर्ड भी डायरेक्ट चल रहा है इसके अंदर। और मैंने साइन इन का बटन दबाया तो क्या हुआ भैया, साइन इन नहीं हुआ। MLIK साइन इन MLIKSankar@gmail, सही तो लिखा है मैंने, पता नहीं क्यों साइन इन नहीं हो रहा। खैर, साइन अप कर लेते हैं, नया बना लेते हैं। मैंने कहा यार ABC फर्स्ट नेम है और ABC लास्ट नेम है, ईमेल जो है वो ABC@ABC.com है, पासवर्ड है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और मैंने कहा भाई साइन अप। अच्छा, इसको ज़रा मैं क्या कर देता हूँ, स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ। वैसे तो ये मैंने इसका चेक लगाया हुआ था स्मॉल लेटर वाला, लेकिन जो है ना फिर भी मैं यहाँ से स्मॉल में लिख रहा हूँ जस्ट इन केस। ठीक है, वैसे तो मैंने लगाया हुआ है कि जो भी पीछे जाए ना डेटाबेस में स्मॉल लेटर में ही सेव होगा। ABC@ABC.com, पासवर्ड है 1 से लेके 5 तक। साइन अप का मैंने बटन प्रेस कर दिया। और अच्छा, क्योंकि स्क्रीन पे हमने कोई विजुअल वो नहीं लगाया हुआ, वो console.log में शो करता था कि हाँ यार यूज़र क्रिएटेड ना, तो मैं ऐसे मतलब प्रेस तो कर चुका हूँ साइन अप, तो अब मैं डायरेक्ट जाके लॉग इन करता हूँ ABC@ABC.com। और पासवर्ड है 1 2 3 4 5, ठीक है, और साइन इन। तो ये साइन इन हो गया, ये मेरी एक प्रॉपर एक मोबाइल ऐप के तौर पे ये यहाँ पे रन हो रहा है। अब बस मैंने एक लास्ट चीज़ और करनी है, ये प्रोडक्ट के पेज पे, प्रोफाइल के पेज पे, ये दोनों पे ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो आपने देखा ये बिल्कुल जो हमारी वेब एप्लीकेशन थी ना चलती हुई है, उसी का जो है ना ये मोबाइल वर्जन आपका तैयार हो गया। ठीक है, ये थी हमारी वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ये ऐसे खुलती थी और ये इसके अंदर भाई इस तरह करके जो है ना लॉग इन होता था। तो ABC@ABC.com, 1 2 3 4 5, एंटर, और ये लॉग इन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे एंटर करूँगा तो वो मुझे क्या होगी, इस मोबाइल ऐप में भी शो हो जाएगी वो। ठीक है, या मोबाइल ऐप से बल्कि मैं ऐड करता हूँ, कुछ मैंने नाम लिखा, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा, कुछ प्राइस लिखी, कुछ कोड लिखा और सबमिट का बटन दबाया, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जानी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। क्यों नहीं ऐड हो रही भाई, लॉगआउट कैसे हो गया यार, ये क्या बकवास है।
वेल वो मे भी अच्छा, इसके लॉग्स वगैरह देखने के लिए ना आपको सफारी के अंदर मौजूद होता है, तो अगर आप में से कोई भी iOS की डेवलपमेंट करेगा तो iOS की जो मोबाइल ऐप होती है उसके लॉग सफारी में देखे जा सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मेरी अभी कोशिश ये है कि इसको मैं कहाँ पे रन करूँ, इसको मैं रन करूँ मेरे पास जो फ़िज़िकल डिवाइस मौजूद है उस पर रन करने की कोशिश है मेरी। अच्छा ये अभी इसने ना ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ओके, अच्छा, ये डेवलपर मॉड मेरे पास ना डिसेबल हुआ हुआ है, ठीक है। कनेक्ट तो ये हो गया है, मेरा जो iPhone 12 मेरे पास है जो कनेक्टेड है इससे, ये यहाँ पे शो तो कर रहा है लेकिन ये अनअवेलेबल डिवाइसेस जो है ना शो कर रहा है। तो इनेबल डेवलपर मोड में देख लेता हूँ कैसे होता है। असल में वो एक ही दफ़ा करना होता है ज़िंदगी में, तो फिर बाद में फिर भूल जाता है बंदा। ये एक ही दफ़ा होता है इनेबल डेवलपर मोड में, उसके बाद दोबारा नहीं करना होता। अच्छा डेवलपर मोड में जाके, सेटिंग में जाके यहाँ से डेवलपर मोड, यार ये कहाँ से सेटिंग आई थी, कह रहा है इफ़ यू अटेम्प्ट टू बिल्ड बिल्ड दिस 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 एज इंडिकेटेड इन इनेबल डेवलपर मोड सेटिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अच्छा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर मैं सेटिंग में गया और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में गया, उसके बाद कहाँ जाना है मैंने, ऑन द iOS डिवाइस स्क्रॉल टू द डेवलपर मोड। अच्छा इसी में स्क्रॉल करूँगा लास्ट में तो एक डेवलपर मोड आ रहा होगा, ठीक है डेवलपर मोड और इनेबल कर दिया मैंने उसको। अच्छा रीस्टार्ट होगी पूरी डिवाइस मेरी डेवलपर मोड ऑन करने के बाद, तो ये मेरी डिवाइस हो रही है इस वक्त रीस्टार्ट, ठीक है। जैसी मेरी डिवाइस रीस्टार्ट हो जाती है तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो अनअवेलेबल डिवाइस आ रही है ना ये अवेलेबल डिवाइस के तौर पर शो, अभी तो गायब ही हो गई खैर क्योंकि मेरा फ़ोन रीस्टार्ट हुआ है पूरा का पूरा। सर सफारी पे कंसोल वगैरह चला के दिखा दें जब हाँ तक। कंसोल भी मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि वो कंसोल कैसे दिखेगा। वेल अभी मेरी डिवाइस दोबारा से ऑन हो चुकी है, तो डेवलपर मोड टर्न ऑन, अच्छा क्यों नहीं शो हुई भाई अभी तक, रीस्टार्ट तो हो गया। मैं केबल को डिसकनेक्ट करके ज़रा दोबारा से केबल कनेक्ट करता हूँ इसकी, तो अब क्या हुआ, ये रहा iOS डिवाइस, ये शो हो गया मेरे पास, ठीक है। मेरी डिवाइस का नाम है फोन 12, तो इसलिए यहाँ पे फोन 12 लिखा हुआ रहा है, ठीक है। जो भी मेरी डिवाइस का नाम होगा, जैसे लोग अपना नाम लिखते हैं वैसे ज़्यादातर, तो मैंने ये सेलेक्ट किया तो ये मेरा फोन 12 लिखा हुआ रहा है इसके ऊपर। अच्छा और मैं इस पर जब प्ले का बटन दबाऊंगा ना तो ये मेरे फ़ोन पे फिज़िकली मुझे रन होके दिख जाएगा, तो मैं ज़रा अपना कैमरा ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये कैसा दिखता है। और ये अभी जो है ना कुछ, अभी मैं यहाँ से जब प्ले का बटन, अच्छा प्ले का बटन तो मैंने दबाया हुआ है, अच्छा वो एक सिमुलेटर पहले से चल रहा है उसको मुझे बंद करना होगा। अच्छा फेचिंग डीबग सिंबल्स, अभी कुछ हो ही रहा है अभी तक ये। पता नहीं मेरे ख्याल है VS कोड, ये एक्स कोड को ना ज़रा कट करके दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, स्टॉप टास्क एक्स कोड को ज़रा कट करके मैंने दोबारा से ओपन किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ बैकग्राउंड टास्क ना बहुत ज़्यादा हो गए थे उसमें, ठीक है। अब मैंने एक्स कोड ओपन किया है, तो अब मैंने एक्सकोड ओपन किया तो पहले से ही मेरे पास फोन 12 ही शो हो रहा है यहाँ पे ना, और अब मैं जब इस पर प्ले का बटन दबाऊँगा तो ये मेरे पास फ़ोन पे ही खुल जाना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। प्रोसेसिंग कैशे फाइल ऑन द डिवाइस और पता नहीं क्या एक दो स्टेप चला रहा है ये, और जैसे ही ये स्टेप पूरे होंगे तो ये इस पर फ़ोन पे दिख जाना चाहिए खुल के।
बिल्ड फेल बता रहा है ये। अच्छा क्यों बिल्ड फेल हो गया भाई? साइनिंग फ्रॉम क्रड रिक्वायर अ डेवलपमेंट टीम सेलेक्टेड ऑन द टीम साइनिंग। अच्छा, वो असल में मैंने अपना ये डेवलपर अकाउंट नहीं इसमें बनाया हुआ, तो ज़रा डबल क्लिक कर देते हैं इसमें और मैं ओके स्टेटस क्रड रिक्वायर्ड डेवलपर टीम डेवलपमेंट टीम। सही है, अब ओके। ये और भी कुछ चाहिए अभी इसको। अब दोबारा से मैं इसको प्ले करने की कोशिश करता हूँ मेरी फिजिकल डिवाइस में। बिल्ड फेल। साइनिंग एंड कैपेबिलिटी। ओके, ये है वो जगह जहाँ पे मुझे ऐड अकाउंट करना है। वो ऐड अकाउंट असल में वो मुझसे मांग रहा है डेवलपर आईडी मेरी। ये सिर्फ पहली दफ़ा मांगता है असल में। ये सिर्फ पहली दफ़ा मांगता है। दोबारा तो ये आपका मतलब लैपटॉप में वैसे आपके एपल आईडी लॉगिन हुई भी होती है। अबे ये क्या हो गया यार, गलत क्यों कर दिया पासवर्ड इसमें? अच्छा, मैंने पासवर्ड असल में रिसेंटली चेंज किया है तो वो इसी वजह से शायद ये दोबारा से लॉगिन करने कह रहा है। ठीक है भाई, तो ये मेरा अकाउंट ऐड हो गया। सही है, टीम में अब शो हो जाना चाहिए ये अकाउंट। सही है, टीम में ये अकाउंट शो हो रहा है। पर्सनल है ये, पर्सनल अकाउंट के नाम से आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब दोबारा से ट्राई करते हैं। काफ़ी इसने हमें चने चबवाए। अच्छा ये क्या कह रहा है, कैन नॉट क्रिएट iOS डेवलपमेंट प्रोविजनिंग प्रोफाइल दिस 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 पर्सनल टीम इंक्लूडिंग इंजाम मलिक डू नॉट सपोर्ट द एसोसिएटेड डोमेन पुश नोटिफिकेशन कैपेबिलिटीज़। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई ये जो आपका जो पर्सनल अकाउंट है ना, इस पर ये चीज़ हम अलाउ नहीं करते कि पुश नोटिफिकेशंस वगैरह आप भेज सकें। ठीक है, अच्छा ये एप्पल का ना अकाउंट होता है डेवलपर अकाउंट, वो $100 का बनता है, एक साल का होता है वो। तो मेरा ख्याल है इसमें वो वाला अकाउंट चाहिए होगा, अदरवाइज़ वो पुश नोटिफिकेशंस उसमें अलाउ नहीं कर रही है, कुछ इस तरह का चक्कर है। मैं ट्राई अगेन एक दफ़ा कर लेता हूँ। हाँ नहीं, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको डिसेबल करके इसको बनाना चाहूँ तो ओके। पुश नोटिफिकेशन ना, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, पुश नोटिफिकेशन और कुछ चीज़ें, ये बैकग्राउंड मॉड्स भी रिमूव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने सिर्फ ये खोला है कि iOS और मैक के ऊपर ना एसोसिएटेड डोमेन हो बस ये वाला। और अब हम ज़रा दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। यार अब क्या मसला हो गया, डू नॉट सपोर्ट द एसोसिएटेड डोमेन कैपेबिलिटी। अच्छा ये लास्ट वाला, ये एक आखिरी चीज़ है, मुझे ये भी रिमूव करनी होगी। ठीक है, फिलहाल मैंने जो ऐड ऑन फीचर्स थे ना, वो सारे मैंने हटा दिए हैं। अभी जो ये ऐप मेरे पास फिज़िकल डिवाइस पे रन होगी ना, इसमें पुश नोटिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, वैसे तो पुश नोटिफिकेशन का हमने टॉपिक कवर भी नहीं किया अभी तक, और हम कवर नहीं करेंगे वो फिलहाल। हम बस उसको ना ज़रा सा ऐसे ही सिंपली, हम सिंपल वाली ऐप हम चला के देख रहे हैं। अच्छा ये मैंने दोबारा से प्ले का बटन प्रेस कर दिया और मेरे पास ये बिल्डिंग शुरू हो गई है, और जैसे ही ये बिल्ड कंप्लीट होती है तो मेरे पास इस मोबाइल फ़ोन पे ये चल जानी चाहिए ऐप। ठीक है, बिल्ड ये कंप्लीट होने वाली है। अब मुझसे ये क्या कह रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। ओके इसका पासवर्ड तो मैं भूल गया, क्या रखा था मैंने। सर आपने प्रोडक्ट की इमेज कभी नहीं बताया। यार मैं अपनी 2
टूल चेंज करा, पासवर्ड भूल गया। कोड साइनिंग वांट्स टू एक्सेस द एप्पल डेवलपमेंट दिस 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 अलाउ दिस एंटर लॉग इन की चेन। ये मुझसे कौन सा पासवर्ड मांग रहा है? ये मुझसे मेरे की चेन का पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं की चेन को ज़रा अलग से खोल लेता हूँ। की चेन का पासवर्ड तो यार यही था। सही तो है, पासवर्ड तो यही है। यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा यही वाला पासवर्ड? ओके अच्छा, वो असल में कई सारे क्वेरीज मुझसे कर रहा था वो, तो मुझे लग रहा था मैं डाल रहा हूँ तो वो लग नहीं रहा, पासवर्ड लग रहा था वो असल में, लेकिन मुझसे बार बार क्वेरी कर रहा था। ठीक है जी, ये मेरे पास ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो गई है इस जगह पे, अगर आप देखें इसको। अच्छा आइकन इसने पता नहीं क्यों नहीं पकड़ा, वो वाला आइकन नहीं पकड़ा जो मैंने इसको दिया था। अच्छा नहीं पकड़ लिया यार इसने। योर डिवाइस मैनेजमेंट सेटिंग टू नॉट अलाउ द ऐप डेवलपमेंट दिस 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 आईफोन यू अलाउ इज यूजिंग द ऐप अनट्रस्टेड डेवलपर। अब इसने यहाँ पे ऐप को रन करने से पहले एक एरर मुझे और दे दिया है, जो कि कुछ इस तरह से मेरे पास नज़र आ रहा है कि ये अनट्रस्टेड डेवलपर है। मेरी जो ऐप है ना वो ये इंस्टॉल हो चुकी है, करड के नाम से देंगे लिखी भी आ रही है। मैं ज़रा इसको, अच्छा इस ऐप को मुझे ओपन नहीं करने दे रहा, कह रहा है कि योर डिवाइस मैनेजमेंट सेटिंग डू नॉट अलाउ यूजिंग ऐप्स फ्रॉम डेवलपर ऑन दिस आईफोन यू कैन अलाउ दिस इन द ऐप सेटिंग्स। अब मुझसे कह रहा है कि आप सेटिंग में जाओ और सेटिंग में जाके ऐप सेटिंग के अंदर जाके ना वहाँ से आप इसको पहले अलाउ कर दो जाके। ऐप सेटिंग में तो इतनी सारी ऐप्स हैं मेरे पास, तो वो तो नज़र ही नहीं आ रही किधर चली गई। सर मैंने एंड्रॉइड में इंस्टॉल किया था ना, तो उसमें भी यही आ रहा था, ये सैंपल फॉर डिवाइस योर डिवाइस, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा था इंस्टॉल एनीवे, तो वैसे तो मैंने कर दी थी। नहीं वो खुल गई है वो, वैसे ऐप ओपन तुम्हारे पास इंस्टॉल हो गई है वो? जी एंड्रॉइड पे खुल गई है जी। काम कर रही है वो जैसे उसको करना चाहिए। सर ये डेवलपर ऑप्शंस में जाके देखें फ़ोन के, हो सकता है उसमें कहीं पे वो चेक मार्क हुई। नहीं मैं ज़रा ये अलग से देख रहा हूँ कि ये यही एरर आ रहा है ना मेरे पास। इसको अच्छा प्रोफाइल के अंदर जाके इसने बोला कि यार आप क्या करो अलाउ कर दो। अच्छा ये प्रोफाइल कहाँ से आ रही है? ये आ रही है जनरल प्रोफाइल डिवाइस मैनेजमेंट। सही है जनरल, यार जनरल के बाद क्या था, प्रोफाइल और प्रोफाइल एंड डिवाइस, प्रोफाइल 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 कहाँ है प्रोफाइल? प्रोफाइल तो इसमें है ही नहीं। ओके वीपीएन एंड डिवाइस मैनेजमेंट, सही है मेरे पास वीपीएन एंड डिवाइस मैनेजमेंट लिखा हुआ है। अच्छा इसके अंदर मेरे पास क्या आ चुका है कुछ, मैं ज़रा स्क्रीन अपनी शेयर करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये किस तरह का दिख रहा है। मेरे पास ये जो दिख रहा है वो ये मैं आया जनरल में, और जनरल में आने के बाद मेरे पास ये वीपीएन एंड डिवाइस मैनेजमेंट के नाम से दिख रहा है। इस पर मैंने क्लिक किया और ये डिवेलपर एक शो हो रहा है यहाँ पर कि भाई ये डिवेलपर आपकी डिवाइस में ऐप चलाने की कोशिश कर रहा है। इसको क्लिक किया मैंने और क्लिक करके इस पर लिखा हुआ आ रहा है कि भाई ट्रस्ट का बटन दबा दिया। मैंने कहा भाई हाँ ट्रस्ट ओके सही है, तो ये अब ट्रस्टेड हो गया। अब मैं जब अपनी ऐप को रन करूँगा इसको तो ये सीधा रन हो जाएगी। सही है, और इसके अंदर मैं जो भी ईमेल लिखता था ना abc@abc.com, सही है पासवर्ड है मेरा 12345, और साइन इन का बटन मैं जैसे ही दबाता हूँ तो मैं साइन इन हो जाता हूँ। ठीक है यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स का नाम लिखता हूँ मैं, और मैंने कहा 1 2 3 4 5, और कुछ कोड लिखता हूँ मैं और सबमिट करता हूँ तो ये
ये इसको सबमिट हो जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसके अगर मुझे लॉग्स देखने हो तो वो मैं कैसे देखता हूँ? उसको देखने का तरीका ये होता है कि मैं जाता हूँ सफारी, ये क्या हुआ, कुड नॉट लॉन्च। अच्छा, अब जब मैं यहाँ से प्ले दबाऊँगा ना, मिसाल के तौर पर मैंने ऐप को कर दिया बंद, सही है, अब मेरी ऐप जो है वो बंद है इस वक्त, अगर आप कैमरे में देख पा रहे हैं ये मैंने ऐप बंद की हुई है। अब यहाँ से मैं जब प्ले का बटन दबाऊंगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इस ऐप को लॉन्च हो जाना चाहिए मेरे पास। ठीक है, ये ऑटोमेटिक लॉन्च हो गई मेरे पास, और लॉन्च हो के आप देखें वो लोगो भी मुझे शो कर रहा है, ये एक लोडर सा बना हुआ आ रहा है। और ये जब मैं प्ले करता हूँ तो क्या करता है, पहले वाली ऐप को अनइंस्टॉल करके ये दोबारा से इसको इंस्टॉल कर रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा शायद ये लोडिंग भी ले रहा है। अच्छा, अब इसके लॉग्स वगैरह अगर देखने होते हैं ना, तो वो सफारी के अंदर होता है एक ऑप्शन, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सही है, सफारी की ऐप आप खोल लेते हैं, और सफारी की ऐप खोलने के बाद डेवलपर ऑप्शन में जाते हैं, और डेवलपर ऑप्शन में देखें ये आईफोन 12 आपको ना लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब मेरे फ़ोन का नाम है ये, और इसमें चलती भी एक ऐप है क्रड, वो आपको दिख रही है ना, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो कॉन्सोल है वो आपको नज़र आ जाता है, ये है कॉन्सोल, और यहाँ पे जो भी एरर्स होंगे ना इसके वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा मैंने ऐप को बंद किया तो वो भी बंद हो गया साथ में, मैंने ऐप को दोबारा से ओपन किया अभी राइट नाउ, यार इसको क्या हो गया, ऐप चलना ही बंद हो गई, तो ऐप एक मिनट इसको मैं हाथ से ज़रा अनइंस्टॉल करके ना दोबारा से करता हूँ, मैं इसको दोबारा से क्या करता हूँ, यहाँ वी एस कोड से आके प्ले का बटन दबाता हूँ दोबारा से ना। ठीक है, इंस्टॉलिंग एंड परफॉर्मिंग इंस्टॉल रनिंग क्रड दिस दिस दिस, अब क्या हो गया, दोबारा इंटरेस्टेड डेवलपर हो गया भाई, मैं दोबारा से इंटरेस्टेड हो गया, जाता हूँ जी मैं जनरल में दोबारा से और डिवाइस मैनेजमेंट में, और इसको दोबारा से जाके बोलता हूँ कि भाई मैं आप ट्रस्टेड डेवलपर हूँ, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, और इस ऐप को मैंने दोबारा से यहाँ पे रन कर दिया, ठीक हो गया जी, तो ये मेरे पास दोबारा से ऐप रन हो चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है रन होके, और अब मैं क्या करूँगा, सफारी में जाऊँगा मैं डेवलपर, अच्छा डेवलपर ऑप्शन ना बाय द वे पहले इनेबल करना होता है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता, यहाँ से प्रेफरेंस में जाके, और प्रेफरेंस में जाने के बाद ना यहाँ एडवांस में जाके, आई थिंक एडवांस में जाके यहाँ से ना शो डेवलप मेन्यू ऐसे ही लगाना पड़ता है, चेक इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद फिर ये डेवलप का ऑप्शन आता है, अदरवाइज़ ये आप बोलेंगे यार मेरे पास शो क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे ही मैंने ये किया ना, देखो तार से कनेक्ट है क्योंकि मेरे पास ये फ़ोन, और उसके अंदर वो ऐप भी रन हो रही है मेरे फ़ोन के अंदर, तो इसलिए ये देखो शो कर रहा है कि क्रड जो है ना ये चला हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास ये कॉन्सोल दिख रहा है इस वक्त। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लॉग इन करता हूँ मैं, राइट, मैंने कहा कि भाई abc@abc.com और पासवर्ड है मेरा 12345 और साइन इन का बटन मैंने प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे ना बना हुआ आ गया, ये जो भी लॉग मेरे लिखे हुए थे ना वो अब इधर आएंगे मेरे पास। ठीक है, मैं अब किस पे आ चुका हूँ, अब मैं प्रोडक्ट की इस स्क्रीन पे आ चुका हूँ लॉग इन होने के बाद, तो मेरा जो भी कॉन्सोल होता था वो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा होता है। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, क्लियर कैसे होगा भाई, ये क्लियर का बटन, ये डिलीट का बटन है। ठीक है, इसको मैंने क्लियर कर दिया, अब मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ ये देखने के लिए कि भाई ये एरर आखिर आ क्या रहा है। ठीक है, प्राइस मैंने लिखा कुछ ना कुछ, ये प्राइस मैंने लिखा और कोड मैंने लिख दिया कुछ, एंटर, सबमिट का बटन दबाया तो क्या हुआ, ये एरर हो गया API कॉल में। एरर क्या हो गया भाई API कॉल में, बैड रिक्वेस्ट। अगर मैं नेटवर्क के टैब में जाके देखूं तो ये प्रोडक्ट के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो ये कहता है कि इंक्लूड HTTP ओनली क्रेडेंशियल इन एवरी रिक्वेस्ट। ठीक है, अच्छा अब ये हो रहा क्या है कि किसी वजह से ना कुकीज़ इसमें जा नहीं पा रही हैं, HTTPS ओनली कुकीज़ किसी वजह से यहाँ से जा नहीं पा रही हैं, कुकीज़ में अगर मैं जाता हूँ तो कोई कुकी यहाँ से नहीं जा रही है। ठीक है, तो इसका आप कुछ देखना पड़ेगा कि यार इसमें कुकीज़ क्यों नहीं सेव हो रही हैं। अब एक ये प्रॉब्लम है जो हमें जेन्युइनली पता चल गया है कि यहाँ पे ना जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो कुकी जो आती है वहाँ से वो इसमें सेव नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है सेव होगी तो जब ही तो जाएगी ना अगली रिक्वेस्ट के अंदर, तो वो यहाँ पे ना सेव हो रही है ना अगली रिक्वेस्ट पे जा रही है, तो इसको हमें अलग से सर्च करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कहते हैं, और उसको यहाँ पर हम सही करेंगे तो ये इंशाल्लाह फिर सेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो हमने आज की क्लास में क्या देखा कि एक बनी हुई वेब एप्लीकेशन जो पहले से वेब एप्लीकेशन के तौर पे काम कर रही है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने मोबाइल ऐप में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, हमने दो प्लेटफॉर्म्स को देखा है लेकिन इसके अंदर ना और भी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि मेटा क्वेस्ट करके एक ना आप मेटा के लिए भी डेवलप कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब उनके मेटावर्स में वो दिखे। विंडोज़ ऐप के, विंडोज़ के लिए भी कर सकते हैं। विंडोज़ का मतलब ये है कि डॉट एग्जी फाइल आपको मिल जाती है जो विंडोज़ पे इंस्टॉल होगी, राइट। इसको भी ज़रा डिजेनरेट कर ही लेते हैं जब इतने सारे को कर लिया तो। इसमें ये लिख के ना, बल्कि ये आप लोगों को बल्कि मैं दे देता हूँ, ये वाला लास्ट वाला जो है ना विंडोज़ का जो पैकेज है, ये आप लोग कीजिएगा। असल में मैं अभी करूँगा ना तो मैं इंस्टॉल करके देख नहीं सकता क्योंकि मेरे पास विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, ठीक है। ये आप लोग कीजिएगा जनरेट पैकेज करके ना, इसी पैकेज का जो भी आपने बनाई है ऐप, उसका विंडोज़ ऐप आपने बनानी है, ठीक है। विंडोज़ ऐप जब आप बनाएंगे तो जैसे वी एस कोड होता है ना, डाउनलोड करते हैं, एग्जी फाइल होती है, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करते हैं, वैसे ये ऐप आपकी ना इंस्टॉल होने लग जाएगी, ठीक है। और वैसे ये ऐप इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा, आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर दिख रही होगी, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी, इस तरह से आपकी ऐप चल रही होगी, ठीक है। और उसके बाद, उसके अलावा जो है, अभी जैसे ये ऐप मैंने ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन जो है ना, आप सब लोगों के पास शो हो जाना चाहिए विंडोज़ पर, तो इसके ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से विंडोज़ का जो है पैकेज बना के भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अब आ चुका है, ठीक है जी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ये आप सब लोग ना सर एरर्स नहीं देखते? एरर्स यार आज मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। आज तो हमने वो पुराना वाला टॉपिक आगे कंटिन्यू नहीं किया ना, आज तो हमने बिल्कुल एक नया टॉपिक पढ़ा है और वो इतना ही है। तो आप इस वाले की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह जो आपके सवाल आते हैं उनको मैं ज़रूर अटेंड करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। ठीक है सर, चलें जी भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।